हटो सामने से। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? हाँ। तुम दोनों वहां चेक करो। सुनो दरवाजा खोलो। यस सर। हेलो हेलो सर। लगता है उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। इधर आओ, बंदूक दो। पकड़ो इसे, आ जाओ। मैंने इतने साल के सर्विस में ऐसा 420 का केस कभी नहीं देखा। 3 से 5 साल के लिए तो अंदर जाएगा। किडनैपिंग और रेप के आरोप लगे हैं, 7 साल के लिए तो जाएगा। हाँ, ठीक है। इतना ही नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर की चार्जेस में 10 साल की सजा होगी, उसे देख लेना। मैंने सुना है उसके खिलाफ 12 केसेस पेंडिंग है। अगर एक भी हार गया ना तो उम्र कैद की सजा पक्की है। शर्मा, ऊपर से ऑर्डर है, इन सारे केसेस की सुनवाई स्पेशल कोर्ट करने वाली है। मामला जितना सीधा लगता है उतना ही पेचीदा है। ये है हमारी कहानी का हीरो। वैसे इसने क्या किया होगा जिसके चलते इस पर डजन के हिसाब से केसेस लगे हैं? ये जानने के लिए आइए प्रेजेंट से फ्लैशबैक में चलते हैं। मंदिर के पास वाली वाइन शॉप में लड़के दारू पीकर लड़कियों को छेड़ते हैं, हंगामा करते हैं, मारा पीटी करते हैं। मेरे गांव के लोगों ने कंप्लेंट तक की है और इस बात को लेकर 4-5 बार मैंने भी कंप्लेंट की है, लेकिन आपने कोई एक्शन ली नहीं। एक बार फिर से कंप्लेंट दे रहा हूं, अगर इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया तो मुझे कलेक्टर के पास मजबूरन जाना पड़ेगा। सर 2 दिन में कलेक्टर साहब के साथ मेरी मीटिंग है। उस मीटिंग में मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगा। एक बार उन्होंने परमिशन दे दी तो एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स वाइन शॉप पे ताला लगा देंगे। आप पर अभी तक भरोसा है इसलिए मैंने आईएएस तक बात नहीं पहुंचाई। नमस्ते, चलता हूं। सर क्या आप कलेक्टर साहब से इस बारे में बात करेंगे? अरे सबसे ज्यादा कमाई तो इस वाइन शॉप से होती है। इसे बंद कर देंगे तो सरकार को क्या जवाब देंगे? ये नेता लोग वोट मांगने के लिए कोई भी मामला लेकर राय का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। इन सबके पीछे कौन वक्त बर्बाद करेगा? जाने मन। क्या कर रहे हो? हट जाओ, क्या मस्त बहन नहीं है क्या? हट जा, मारूंगी ना, पूरी गली आके मारेगी तुझे। कौन है ये? मंदिर के सामने दारू पीकर मारामारी कर रहा है, उसे हटाओ। ए हट। ए क्या है? दारू पीकर नाटक कर रहा है? अंदर सर बैठे हैं, तमीज से पेशा, समझा? चल हट ना। क्या कर रहा है? हुई? तो बोला सांप बैठे हैं। ए बाहर निकल। दूर है ना। बाहर निकल ना। छोड़ उसे। चल मेरे साथ। क्या कर रहा है तू? मेरी बेटी को छोड़, मैं तुझे अभी अंदर कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो तेरी बेटी को अभी उठा सकता हूँ। चल फोड़। अरे मेरे जैसा कहीं नहीं मिलेगा, हट्टा कट्टा। चल ना। अरे सेट कर दूंगा एक ही बार। अरे क्या सर, आपकी बेटी को जरा प्रॉब्लम क्या आई? आप तो सीधे मारपीट पे उतर आए। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पापा को जब प्रॉब्लम आई तो मैं चुप नहीं बैठ सका। इस वाइन शॉप को बंद करने के लिए पापा 3 बार कंप्लेंट दे चुके हैं और 4 बार धरने पर बैठ चुके हैं, मगर आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। और अपने पापा का मान रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। माफ करना बहन, अब फैसला आपको करना है, ये वाइन शॉप यहाँ होनी चाहिए या नहीं। सलमान के बाद आप ही लग रहे हो सफेदी की चमकार। हैंडसम लग रहे हो। शक्कर से ज्यादा मिठास तो तेरी बातों में है डार्लिंग। मेरा नाम डार्लिंग नहीं डायना है, इसलिए तो मेरा कहना है ऊपर जाओ, वहीं तुझे रहना है। पता नहीं खुद को क्या समझता है। गुड मॉर्निंग बॉयज। आ गया काम का नाकाज का दुश्मन अनाज का। तुम ये टेप रिकॉर्डर तोड़ सकती हो, मगर मेरी आवाज तो मेरी पहचान है, इसको नहीं दबा सकती। बड़े बड़े बेशरम देखी। चल जा, मेरी धोती लेके आ। सबके लिए गर्मा गर्म कटिंग बोल। सबके लिए कटिंग ला। पार्टी ऑफिस के सामने चाय और समोसे की दुकान देखकर अपोजिट पार्टी वाले आपका मजाक उड़ाते हैं, तो क्या उसके लिए 5 स्टार होटल खोल दूं? सुपर आइडिया। अरे जाना 1.5 फुटिया। ए भाई भाई, ये मोटू मैराथन क्यों भाग रहा है? भाई क्या आप यहाँ ठेले पर बैठकर गप्पे मार रहे हो, और वो वहाँ की वाइन शॉप बंद करवा के सबका हीरो बन गया है। अगर उसने वाइन शॉप बंद किया है तो सोचो हम क्या बंद करके हीरो हीरालाल बन सकते हैं। पार्टी ऑफिस बंद करके। आप हमको दिमाग पर जोर डाल के सोचने को बोलते हो, मगर आप खुद कभी नहीं सोचते हो। सोच कर बोलने वाला नेता नहीं होता। अच्छा, दूसरे की सोच को जो अपना बोले वही असली नेता है। ये मोटू अपने जैसा कुछ बड़ा सोच रहा है, इसका फ्यूचर डार्क से ब्राइट होने वाला है। एकदम सही बोला भाई। हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे दिमाग पर ऐसा बोझ क्यों डाल रहा है भाई? हाँ हा? बची हुई कचौरी की चाट बन जाती है। हाँ हाँ, बचे हुए पकौड़ों का क्या करें? तुम बताओ क्या करें? पैक करके अपने घर ले जाऊं। इतने टाइम से तू पार्टी के बारे में नहीं सोच रहा था, पार्टी करने के बारे में सोच रहा था। खा खा के गेंडा हो गया, असल 4 पैसे की नहीं है। हाँ पढ़ाया, अपनी पार्टी को फेमस करने का आइडिया मांगा था। सुनो भाई, मेरे पास धांसा आइडिया बोलेगा। मंदिर के पास वाला वाइन शॉप बंद करा के वो हीरो बन गया, वैसे स्कूल के पास वाला बंद करा के आप हीरो बन जाइए। शाबाश, तूने अपना काम किया। अब इस भाइयों के भाई का जलवा देख। और भी हो तो दे दीजिए। लाइन में चलो बच्चों, सीधे अपनी क्लास में जाओ और असेंबली के लिए जल्दी आ जाओ। भाई भाई, लगता यही है। चश्मे ने कंफ्यूज कर दिया। ए सुना है यार, मैं अगर ये स्कूल के सामने दारू की दुकान होगी तो बच्चे पढ़ लिख कर पास कैसे होंगे, बता जरा। चुपचाप दुकान बंद करो, निकल बंद कर दो। तुझे ये कोई तंबू दिखाई दे रहा है? कुछ दिन पहले मंदिर के पास दुकान बंद करके मैंने यहाँ खोली है। अगर फिर से किसी ने दुकान बंद करने की बात कही तो चमड़ी उतार दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। भाई ये गुड न्यूज है, आपका काला चश्मा नहीं टूटा। झापड़ मार के गाल का पापड़ बना दिया और तुझे चश्मे की पड़ी है। उसने कहा तो बंद कर दिया, मैंने कहा तो लावा की तरह भड़क गया। हमें सरकार से डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। पॉइंट ये है, स्कूल और दारू की दुकान आमने सामने ना हो, इसलिए स्कूल बंद कर दो भाई। वेरी गुड, ये आइडिया हमारी लाइफ बदल देगा। फॉलो मी। नो दारू नो वोट। भाई कहो तो एक एक करके बच्चों को बाहर फेंको। ठीक कहा भाई, इसमें कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तू शरीर से एकदम बैल जैसा है, पर दिमाग तेरा चीटी से भी कम है। सब बच्चों को 1 मिनट में कैसे बाहर निकालता हो तू देखता जा। लावा मुझे दे। कम ऑन बॉयज। ओके चलो भाई। कहाँ जा रहे हो? स्कूल बंद करके गुंडागर्दी कर रहे हो? तुमने घंटी क्यों बजाई? देखो वाइन शॉप के सामने तुम लोगों ने स्कूल खोल दिया है, सोचो जरा पियक्कर चैन से दारू कैसे पिएगा। उन्हें बहुत डिस्टर्ब होता है, इसलिए घंटी बजा दी। अब स्कूल बंद करो और घर निकल लो। तुम पियक्कड़ों के लिए स्कूल बंद कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या तुम? सब मिलके मारो इसे। क्या रे, मार खाते वक्त तुम लोग सही टाइम पर कट लेते हो और मार खाने के बाद सही टाइम पे एंट्री मारते हो। यार टाइमिंग ही सब कुछ है, जिसकी टाइमिंग सही नहीं उसकी शाइनिंग भी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नाम पर दंगा करके पैसे लूट कर रात भर पार्टी करके दारू और चकना मत खाना। नींबू पानी पी लेंगे भाई, जल्दी आ जाना, हम इंतजार करेंगे। सर इसने खाना खा लिया। खा लिया ना, अब इसे खिलाओ। इधर आ सर। क्या है? आपसे मिलने चेयरमैन का बेटा आया है। हाँ हाँ सर, करेक्ट है। करेक्ट है सर। सर नमस्ते। सर नमस्ते, बोलो क्या काम है? कुछ नहीं सर, आप हमारे एरिया में पहली बार ट्रांसफर होकर आए हैं ना, इसलिए पापा ने आपका स्वागत करने के लिए और एक लेटर देने के लिए कहा है। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है सर। ये लो रखो। वो लेटर देना। लेटर दो। हम वो हैं जो नाम से ज्यादा काम पर भरोसा रखते हैं। सर वो क्या है ना, मार्केट में गुंडों ने परेशान कर रखा है, बस उनको जरा संभाल लेना, उसी के लिए लेटर दिया है। अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना। हाँ। अब तुम देख लेना, इस गांव में गुंडों और बदमाशों की खैर नहीं। अरे अगर तुम किसी गुंडे या फिर उसके गैंग के बारे में जानते हो तो मुझे बताओ, चुन चुन के मारूंगा। इस गांव में झगड़े, मारपीट, पब्लिक डिस्टर्बेंस वही लोग करते हैं, यहाँ तक की पुलिस वालों को भी डिस्टर्ब करते हैं। नहीं सर, इतना टेंशन मत लीजिए सर, टेंशन से आपके बाल झड़ जाएंगे। और सुनो, तुम जैसे लोग हैं तो टेंशन की जरूरत नहीं। गुंडों का नाम सुनते मेरा बीपी हाई होता है। सर इसने खाना खा लिया। सुनो, एक छोटा सा काम आ गया, मैं खत्म करके आता हूँ। ओके सर। कांस्टेबल इधर आइए ना। ये इंस्पेक्टर को क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों रहता है? देखिए हाँ। बात यह है कि टेंशन की वजह से हाँ। इनका हर 6 महीने में ट्रांसफर होता रहता है। अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, इनको आए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और यहाँ पर आकर इन्होंने 20 लोगों की 20 हड्डियाँ बुरी तरह तोड़ डाली। आप जाइए, अभी इनका धुलाई का टाइम है। ओके, ये चाय पानी के लिए ऐश करो, चलो। क्यों रे, माला डालकर इंस्पेक्टर को मस्का लगाने आया है? कंप्लेन देने आया था। एक अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है जो अपने एरिया में तोड़फोड़ करे, तेरी तरह कंप्लेन देने नहीं आता वो। तू मेरा दुश्मन है ये बोलने में मुझे शर्म आती है। मुझे तो बचपन से ही तुझे अपना दुश्मन बोलने में शर्म आती है। तेरी बात का जवाब देने के लिए मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग है, दोबारा मत मिलना। कम ऑन। इतनी हिम्मत, ये चिरकुट झिंगुर मुझे फूल देकर गया। ये तो सभी से यही कहता फिर रहा है। हाँ हाँ, अब देख इस झिंगुर को कैसे सबक सिखाता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है रे? कौन बोल रहा है ये जरूरी नहीं है टकले। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे नेता को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाने की? कौन है तेरा नेता, बता जरा। बताता हूँ, जो तेरे सामने सफेद शर्ट और काला चश्मा पहनकर बैठा है ना, वही अपना नेता है। हम हैं सबसे ताकतवर, हमारा है सारा जहां। शेर की तरह दहाड़ता है और चीते की तरह भागता है, गुस्सा आ जाए तो पागल हाथी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और सुन टकले, जैसे ही अपना नेता अंदर आए ना, चाय पिलाकर इज्जत करना। अगर उन पर एक उंगली भी उठाई ना। एक मिनट रुक। हाँ। मैं हाय बोलो। ए, हमारे नेता को हाथ कैसे लगाया तूने? और 1 मिनट दे दिया टकले। नहीं, ये मारेगा। 1 मिनट देना। हाँ ना, ऊपर वाले इधर। अब क्या ये मेरी आरती उतारेगा? अभी मैंने उसे लात मारी है, क्या करेगा तू? तो सुन, उनके शरीर से खून की एक बूंद भी निकली ना तो पुलिस स्टेशन में खून की नदियां बहा दूंगा। 1 बूंद खून की बात कर रहा है, मैं उसका 1 लीटर खून निकाल दूंगा। फोन रख, अब तेरे नेता की धुलाई का टाइम है। ए, हाथ मत लगाना। हो गया। ए, बॉडी आने में 1 घंटा तो लगेगा। चलो चलकर चाय पीकर आते हैं, कुछ ठंडा वंडा हो जाए भाई। हाँ क्यों नहीं, चलो। मुझे जाने दो। अरे बस करो, इतना क्यों मार रहे हो? ये गोरिल्ला मेरी जान लेकर मानेगा। बेवकूफ, अगर अगली बार नेतागिरी करते दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा, याद रख। मैं कौन सी पार्टी का नेता हूँ? सुनो, अपनी शर्ट ले लो। ये मेरी नहीं है, मैं व्हाइट शर्ट पहन के आया था, मैं वही पहनकर जाऊंगा। ये वही सफेद शर्ट है, तुम्हारे खून में भीगकर अब ये लाल हो गई। कल तक इसमें सफेदी की चमकार थी, आज ये लालम लाल हो गई। मेरी धोती कहाँ है? वो क्या है ना कि हम उसे बचा नहीं सके, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। मुझे तोड़ के बेहाल कर दिया। उस टकले का नाम क्या है? जाने दो ना, क्यों बेवजह पंगा ले? अरे मार खाने की वजह मुझे पता नहीं, कम से कम मारने वाले का नाम तो पता हो, दिल को ठंडक पहुंचेगी। हाँ वो तो है। हाँ। और क्या? मुझे मालूम है। मजा आएगा बहुत। अरे चलो। और क्या? अरे भाई। हाँ? क्या भाई, अंदर आप इंस्पेक्टर के साथ होली खेल रहे थे और हम यहाँ बाहर थे। कसाई की तरह उसने कस कस के मुझे मारा और तुझे होली की पड़ी है। क्या रख के तुझे? क्या कहा? उस इंस्पेक्टर ने आपको मारा? हम उस इंस्पेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पैरों पर अंदर जाओगे और स्ट्रेचर पर बाहर आओगे। इंस्पेक्टर हमारा दुश्मन नहीं है। फिर कौन है? किसी ने तो इंस्पेक्टर को फोन किया था क्या? और उसके बाद उसने जो मुझे सिंघम की तरह तोड़ा है, मुझे मेरी नानी याद आ गई। मैंने ही फोन किया था चिरकुट। एक ही फोन कॉल में तेरी हड्डी पसली एक कर दी मैंने। पॉलिटिक्स में जीत और शादी में संगीत बहुत जरूरी है, तू भी समझ जाएगा। दुश्मनों पे पीछे से वार नहीं करते, सामने से वार करते हैं। अगर तुझमें हिम्मत है तो भाई के फेस पर एक घूंसा मार के दिखा। ये कौन सा सुपरमैन है? बस ना। हाँ बस। फेस पे घूंसा मारने क्यों बोला? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो सिर्फ पंच लाइन मारी थी, इसने तो सच में पंच मार दिया। पंच लाइन के लिए मेरा ही चेहरा मिला। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझसे नजर मिला के बात नहीं कर सकता। कैसे दुश्मन पाल रखे मैंने। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, आने वाले इलेक्शन में मैं तेरे खिलाफ खड़ा होऊंगा। पहले पैरों पे तो खड़ा हो जा, फिर इलेक्शन में खड़ा हो जाना। चलो रे। इस तरह घूसा मारकर आपकी पब्लिक इमेज का 0 बटा सन्नाटा कर गया। हाँ ना, मेरी इमेज की धज्जियां उड़ गई, पर मुझे इमेज को सेट करना आता है। कल मैं चमक छलोक चमेली को बुलाने वाला। हमें भी आने का इनविटेशन है ना? उसकी कमर तक तो ठीक से आएगा नहीं बोने। चमेली को कल बुलाकर एक जबरदस्त शो अरेंज करता हूँ। देखने वाले का मुंह खुला और आंखें फटी रह जाएंगी। चमेली आज क्या पहन के आएगी मोहन? जितना कम पहन के आए अच्छा है। तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए हैं। माँ, इसे तोड़ने के लिए मुझे तलवार नहीं तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। मैं हम सबकी आजादी चाहता हूँ, आजादी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारे पिता की भलाई के लिए मैंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ा है। मनोहर चुप मत बैठो, उठो और लड़ो। उठो मनोहर, उठो। आशीर्वाद दो। चमेली को छोटे छोटे कपड़ों में अच्छी लगती है, इसे पूरे कपड़े पहनाकर तुमने उस पर अन्याय किया है। पंडित जी, मेरे नई स्कूटी की पूजा करवानी है, जल्दी चलिए। थोड़ा रुको, भगवान की आरती करके आता हूँ। भगवान की आरती तो आप रोज करते हैं, पहले चलकर स्कूटी की पूजा कीजिए। शुभ मुहूर्त 5 मिनट में निकल जाएगा। अगर 5 मिनट देर से पूजा की तो क्या तुम्हारी कोई स्कूटी चुरा कर ले जाएगा? अब जाओ। देखो वो क्या कर रहा है। चोर चोर। अरे तेरा काला मुँह जल जाए। चोरी की बात करके मेरी स्कूटी सच में चोरी हो गयी। अरे पकड़ो। अरे मेरी नई स्कूटी। स्कूटी का मॉडल, नंबर और बाकी सारी डिटेल इसमें लिख दो। सर आपकी चाय। सर स्कूटी का नंबर अभी तक नहीं मिला था। हाँ। आज ही मैंने वो शोरूम से खरीदी थी, नहीं थी सर। अरे मैडम, जिस स्कूटी पर नंबर होता है उसे नहीं ढूंढ पाते। ये बिना नंबर की स्कूटी को भला कहाँ से ढूंढेंगे हम? फिर भी कोशिश करेंगे हम। सर चाय में शक्कर कम है, एक्स्ट्रा मंगवाइए। क्या? एक तो तू मेरी चाय पी रहा है और ऊपर से एक्स्ट्रा शक्कर भी चाहिए तेरे को। ये ले शक्कर। ये चाय। सर शक्कर की प्रॉब्लम बाद में सॉल्व कीजिए, मेरी स्कूटी ढूंढ दीजिए ना। ओह इतना अर्जेंट है? तो तुम एक काम करो, अपनी कंप्लेंट लिखवा दो और जाकर स्कूटी ढूंढो, और कहीं मिले तो आकर मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं ला दूंगा। जाओ जाकर ढूंढो। चल चलते। देखो इसका सीट कवर बदल लेंगे, ब्रेक भी सही कर लेंगे। अंजलि वो मैकेनिक शॉप देख। इस नई स्कूटी को एकदम रापचिक बना डालना, हॉर्न भी बदल दो। हाँ, ठीक है। ऐसा हॉर्न लगाना जिसे सुनते ही नींद उड़ जाए। ये तो तेरी स्कूटी लग रही है ना? अरे हाँ, ये तो मेरी ही स्कूटी है। तू जाकर चेक कर। आगे मेरा नाम लिख दो। हाँ हाँ लिख दूंगा। इस नई स्कूटी को ना एकदम रापचिक बना डालना, हॉर्न भी बदल देना। हाँ। मेरी स्कूटी को हाथ लगाने वाले तुम होते कौन हो? ये स्कूटी मेरी है, कोई सबूत है ये तुम्हारी है? हाँ, इस पर चंदन का टीका लगा है। चंदन का टीका है तो क्या तुम्हारी हो गई क्या? जाके हवा खा के आओ। मेरी स्कूटी चुरा कर मुझे कर दिखाता है। क्या कर रहा है तू? किसी भी लड़की पे हाथ कैसे उठा सकता है? पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ? एक लड़की पे हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए। तुम सब इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हो, मेरा सपोर्ट मेरा दोस्त करेगा। अभी फोन करता हूँ। भाई यहाँ पंगा हो गया है, एक लड़की ने मुझे मारा और बाइक भी ले ली। कहाँ है तू? जमा हो गई है, वही रुक 5 मिनट में आता हूँ। चलो चलो साइड हटो। किसने तेरा ये हाल बनाया? आंसू पोंछ, बोल। जिसने तुझे मारा उसे रुलाऊं या फिर उसे लाकर तेरे पैरों पे गिराऊं? अरे बोल ना, कौन है वो? तो देख रही हूं। अच्छा घूसा मार उसे, मार दे उसे। मारने के लिए कहा था, मुझे क्यों मार रहा है? खूबसूरत लड़की को मारना नहीं चाहिए, उनसे तो प्यार करना चाहिए। सर आपको देखकर लग रहा है आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। कल मंदिर में मैं स्कूटी की पूजा कराने गई थी, तब इसने स्कूटी चुरा ली। Oh my God. मेरी स्कूटी मुझे वापस दिलाइए प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। तुम अपनी स्कूटी ले लो। थैंक यू। देखिए ना सर, इसने स्कूटी की चाबी छीन ली। ए, चाबी दे इनको। मैं इसे अपनी स्कूटी नहीं दूंगा। मेरी बात नहीं सुनेगा चोर कहीं का। ये लो, ले जाओ। थैंक यू। चलो चलो निकलो निकलो निकलो। अरे अपने घर जाओ ना। चलो लेकिन मैं अपनी स्कूटी लेकर ही रहूंगा। तू मेरे सामने इसको धमकी दे रहा है रास्कल। अंजलि अगर ये तुम्हें कभी भी तंग करे ना तो मुझे फोन कर लेना। 9566224242। मैंने सेव कर दिया। वेरी गुड। मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है, जब मन करे फोन कर लेना। ओके। हाँ। चोर कहीं के मार के भूसा बुलाया सर। हाँ मैडम, तुम्हारी स्कूटी वाला चोर पकड़ा गया। ये है, ये वो नहीं है सर। हाँ? मुझे मेरी स्कूटी मिल गई है सर, इसने मेरी स्कूटी नहीं चुराई। किसकी चुराई? सर इस लड़की की स्कूटी मैंने ही चुराई है। ए पागल, तू वाकई में पागल है, तेरी समझ में नहीं आता। तेरी स्कूटी मैंने ही चुराई है। जब मैं कबूल कर रहा हूँ तो मुझे बेवजह मार क्यों खिला रही है? झूठ मत बोल। सर झूठ बोलता है। अगर आपको शक है तो मेरे पास जो स्कूटी है ना वो इस लड़की को दिखा दो। यही तुम्हारी स्कूटी है? देखो यही तुम्हारी स्कूटी है, इस पर चुनर भी लगी हुई है। हाँ सच कह रही हो। हेलो, आप पुलिस स्टेशन आ जाइए ना। अभी आया। हाँ तुमने मुझे बुलाया तो मैं अपने सारे काम छोड़कर आ गया। सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ये आपके दोस्त की स्कूटी है, मेरी तो पुलिस ने ढूंढ कर दे दी। देखा तूने, तेरी खोई हुई स्कूटी फिर से मिल गई। मेरी स्कूटी खोई कब थी? तूने ही तो छीन कर इसे दी थी। इन दोनों से लिखवा लो, इनकी स्कूटी मिल चुकी है। जल्दी करो। जी सर। चलता हूँ। थैंक्स अ लॉट। मेरे एक बार कहने पर तुमने अपने दोस्त की स्कूटी मुझे दे दी। अगर तुम बोलोगी तो स्कूटी क्या, अपनी जान भी दे दूंगा। क्या कहा? मैंने कहा जान की बाजी लगाकर तुम्हारी स्कूटी ढूंढ निकालता। ओके बाय। क्या मुझे प्यार हो गया? भाई देखो भाभी फल खरीद रही है, आप भी जाके फल खरीद लो ना भाई। जो फल लेने जाता है उसे अक्सर बीज मिलता है। लड़कियों को पहले छिप छिपा के ताड़ना चाहिए और फिर बिंदास होकर ताड़ना चाहिए। ताड़ते ही रहोगे तो उसे और कोई ले जाएगा। एप्पल कैसे दिए? 120 रुपए। एप्पल का दाम पूछ रही है। ये जोक था क्या? हंसू मैं। भैया ऑरेंज कैसे दिए? 150 रुपए किलो है। 50 किलो के ऑरेंज को 1 किलो ऑरेंज चाहिए। ए जंगली जानवर, पकाऊ जोक से परेशान मत कर, चल जा। अगर मैं जंगली हूँ तो ये जंगली की जानू है, उठा लो इसे। फाइट सीन के बाद प्रपोज किया जाता है। सीन तुम्हारे लिए तैयार है, बस तुम एक्शन कर दो और प्रपोज कर दो। सोचो मत, जाओ। तुझे छोड़ोगे नहीं मैं। भाई संभालोगे ना? छोड़ मेरा। अब तेरे भाई का एक्शन देख। यकीन नहीं हो रहा है, तुम हमेशा सही टाइम पर एंट्री कैसे मारते हो? देश मुसीबत में हो तो आर्मी आती है, शहर मुसीबत में हो तो पुलिस आती है, और अगर तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारा ये फैन आता है। अब पीछे जाकर तुम मेरा कमाल देखो और एक्शन का भरपूर मजा लो। और पीछे जाओ, थोड़ा लेफ्ट में। भाई दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ तो काला है। अगर आज के बाद किसी ने इस मार्केट में मेरी अंजलि के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसके शरीर में हाथ पैर नाक हड्डी सब होगी, बस जान नहीं होगी। चल निकल। चलो मेरी जान। क्या जमाना आ गया, ये चुरकुट खुद को सुपरमैन समझ रहा है। अरे भाई देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, उस सिंगल पसली ने तुम्हें धो डाला, शर्म नहीं आती? हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे भाई हैं, हम सब लोग उन्हीं के पास काम करते हैं। वो लड़की जहाँ भी जाती है हम छेड़ते हैं, फिर ये आके बचा लेते हैं। हमने अलग अलग गेटअप में उसको छेड़ा है लेकिन आज तक वो हमें पहचान नहीं पाई है। अगर उसे लड़की पटानी है तो पटाने दो ना, तुम क्यों बेकार में यहाँ आकर मार खा रहे हो? यही तो हमारा काम है। एक बात तो माननी होगी, आज तक तुम लोगों को प्यार करने वालों को सिर्फ अलग करते हुए देखा था, मगर पहली बार उन्हें मिलाते हुए देख रहा हूँ। आई लाइक इट। अच्छा चलता हूँ। चलो रे। भाई तुम भी उसी लड़की से प्यार करते हो जिस लड़की से वो चिरकुट प्यार करता है, और वो तो आपके दुश्मन की बेटी है। अगर दुश्मन विलन है तो एक्शन से नहीं अपार लगानी पड़ती है, मगर ये तो कॉमेडियन है, तो कॉमेडी करनी पड़ेगी। ओके हाँ, सदा के बोलो। दुश्मन हमारे घर की ओर बढ़ रहा है, अपने हथियार तैयार रखो। ओए, तू फल लेके यहाँ क्या कर रहा है? फल लेकर पुरानी दुश्मनी को नई दोस्ती में बदलने आया हूँ। यहाँ पर कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है, 30 साल की दुश्मनी है ये। निकालो निकालो। हथियार की जरूरत नहीं है, आप चुप बैठो। मैं कह रहा हूँ उसमें से संतरा निकाल लो। तो आपको संतरे चाहिए थे? उठा ले वरना वापस ले जाएगा। चुप नहीं बैठे तो संतरा मुंह में ठूस दूंगा। संतरे चाहिए इनको। यहाँ सब लोग मुझे दुश्मन का बेटा समझ रहे होंगे। सही कहा, मगर मैं दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया हूँ। कई साल पहले दोनों परिवार प्यार मोहब्बत से साथ रहते थे। जो हाथ पिछले 5 साल में नहीं उठा वो एक संतरे के लिए तुरंत उठ गया, पूरी इज्जत का संतरा कर दिया। जिस दिन इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ उस दिन से दो परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। पिछली 2 पीढ़ियों से चला आ रहा है, अब 3री पीढ़ी को भी ये सहन करना होगा। इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए मैंने पहला कदम उठाया और इस घर में आया। दादा क्या आपको याद है, आप चांद दिखाकर कहानियां सुनाते थे? आपको याद है अमावस की रात जब चांद नहीं निकला तो आपने हमें कौन सी कहानी सुनाई थी? आपने कहा था चांद शादी करके हनीमून के लिए चला गया है। कुछ याद आया आपको? तुम्हें अब तक वो कहानी याद है? मून का हनीमून। 3 साल के बच्चे को तुमने ऐसी गर्मा गर्म कहानी सुनाई, चीप मैन। और उस दिन से रात को जब भी मैं चांद को देखता हूँ बस आप लोगों की याद आती है। प्लीज रोइए मत, मैं नहीं चाहता कोई मेरी वजह से रोए। तुम सब लोग मगरमच्छ की तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? इसने इतनी भी कोई इमोशनल कहानी नहीं सुनाई है। हा? अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो ये हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेगा? सब लोग आंसू पोंछो। डैडी आंसू पोंछो। कहा ना आंसू पोंछो। तू मेरे परिवार को तो इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है पर मुझे नहीं। मैं सेंटीमेंट से ज्यादा सेटलमेंट में बिलीव करता हूँ। तो इस घर में कभी भी आ जा सकता है। दादाजी से कहानी सुन, दादी से म्यूजिक, आई डोंट केयर। ठीक है, मगर उसके पहले आने वाले इलेक्शन में तू मेरे सामने खड़ा नहीं होगा, ये वादा कर सकता है? डर लग रहा है? पता था मुझे। इस इलेक्शन में ही नहीं, मैं कोई भी इलेक्शन तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ूंगा, ये वादा है। इसने तो वादा कर लिया। मैंने दोस्ती के लिए प्यार को कुर्बान होते हुए देखा है, मगर दोस्ती के लिए इलेक्शन को कुर्बान होते हुए पहली बार देख रहा हूँ। तू मेरा सच्चा दोस्त है। सब लोग सुन लो, आज से ये मेरा जिगरी यार है। चाची देखा आपने, डैडी देखा आपने, दादाजी सुना, ये मेरा जिगरी दोस्त है। कभी देखी ऐसी दोस्ती? तू मेरे से दोस्ती करने आया ऐसा लगता नहीं है। कौन है वो? भाभी। तेरी? नहीं, तुम्हारी। बहुत जल्दी इससे मेरी शादी होने वाली है। वो किसी के जाल में फंस जाए ऐसी मछली नहीं है, सबको चकमा देने वाली शार्क है। मुझे मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर ये मछली मेरी ही होगी। क्या बोला? कुछ नहीं, दुश्मनी भुलाकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये घर भी अच्छे से देख लेता तो और भी अच्छा लगता। जीते रहो बेटा, जीते रहो। थैंक यू दादाजी। ए लंगू, चल बाजू हट। नमस्ते। पकड़ लिया, पकड़ा। हाथ हटा। हाथ हटाऊंगा तो गिर जाएगी और इससे चोट लग जाएगी। इसके साथ कबड्डी खेल रहा है जो पकड़ के रखा है। गिर गई तो संभल जाएगी, मगर उसके कंधे पर तेरा हाथ मेरे दिमाग की वाट लगा रहा है। हाथ हटा। ये सब क्या हो रहा है? फिसल गया तेरा पैर? नहीं, होठ। घुटनों पे चोट लगे तो खून निकलते देखा है, लेकिन झप्पी पप्पी और खून। स्टैंड अप। तुम्हारे होठों पर खून लगा है। हाँ? जाओ, मुझे शर्म आती है। इसने दी उसे पप्पी, उसने दी से झप्पी, और हो गई मेरी चंपी। ए, वहां कहाँ जा रहा है? मेरी दादी को तो छोड़ दे। ए! क्यों बुलाया होगा उसने? कहाँ है वो? सुनो भाई, वो आ रहा है, उसे यहाँ क्यों बुलाया? उस दिन अंजलि के होठों पे जोर से गिटार बजा रहा था। ऐसे ही चलता रहा तो घर में डमरू बजाएगा। अगर वो डमरू बजाएगा तो आप तानपुरा बजा देना। तुझे लगता है मैंने घर में म्यूजिक क्लास खोल रखी है? बेवकूफ कहीं का। मुँह है कि गटर? दोस्तों तुम यहाँ आओ, मैं आता हूँ। ये यहाँ? अभी देखती हूँ। तुम मुझसे छुप नहीं सकते। अभी पकड़ती हूँ, तुम नहीं बचोगे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। इससे पहले कि आप उसका बैकअप करो, वो अंजलि को लेके उड़ जाएगा। एक बार पीछे तो देखो भाई। पूरे मोहल्ले के सामने इज्जत का भाजीपाला कर दिया। छोड़ो इसे। ए, ये क्या क्रिकेट बॉल है? जब देखो कैच करने के लिए तैयार रहती हो। तुम हो क्या? मैं हूँ। सॉरी, मुझे लगा कि अरुण है। क्या कहा? तुम्हें अरुण लगा? अरुण इधर आ। क्या हुआ मामा? ये है अरुण। ये 2 फीट का है और ये 6 फीट का। फर्क नहीं पता चलता। इसे ऐसे पकड़ते हैं और इस 6 फुट के इंसान को इस तरह। तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं है। तुमने जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो, देखने वाला तो गलत समझेगा ना। इंप्रेशन की बैंड बज जाएगी। अरुण तू उधर जा, तुम इधर जाओ। चलती हूँ। तू चल इधर आ। हाँ, उसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी जो गलती से तुझे गले लगा लिया, मगर तेरी तो दोनों आंखें खुली हुई थी ना। वो हॉट थी इसलिए मैं कोल्ड हो गया। ए भगवान, तुम्हें क्या गलत लगा? हाँ लगा, लगा मुझे गलत। सुनो, अगर तुम चाहते हो हमारी दोस्ती बनी रहे तो आज के बाद तुम सिर्फ मुझसे बात करोगे, मुझसे मिलने मेरे घर या खेत में नहीं आओगे। और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम्हें सीधे पार्टी ऑफिस में आना होगा। तुम्हारे पार्टी ऑफिस में अंजलि भी आती है? हाँ, डेली सुबह 10 से 12। मुंह बंद कर अपना। तुझसे पूछा क्या इसने? पूछा क्या इसने? सुनो, तुम पार्टी ऑफिस में मत आना, हम रोड पर मिलकर बातचीत करेंगे और अपना अपना रास्ता नाप लेंगे। समझ गए ना? वादा करो, मेरे सर की कसम खाओ। खाली। अरे कोई बचाओ। अरे सुनो कोई। अरे कोई बचाओ, ये डूब रहा है, बचाओ कोई इसे। भगवान के लिए कोई इसे बचाओ। अरे कोई बचाओ, डूब रहा है कोई। अरे कोई लड़का डूब रहा है, कोई बचा लो। पानी में डूब रहा है लड़का। दीदी डरो मत, मैं आ रहा हूँ, मैं बचाऊंगा तुम्हारे बेटे को। डरो मत, डरो मत, तेरा भाई आ गया छोटे। अगर 1 मिनट भी देर हो जाती तो इस नन्ही सी जान को बचाना मुश्किल होता। नीचे उतार मुझे। क्या बोला? सुना नहीं क्या कहा? तूने मुझे कुएं से बाहर क्यों निकाला? दूंगा रख के कान के नीचे। मैंने तुझे डूबने से बचाया और तू मुझे आंखें दिखा रहा है, एहसान फरामोश कहीं का। मैंने कहा था तुझे, मैंने कहा था। नहीं सुन, बिना सांस लिए 24 घंटे पानी में रह सकता हूँ, समझ गया? रुक जाओ छोटे भीम, ये तो बड़ा खतरनाक बच्चा है। ये रख, किसी को सच मत बताना, बस इतना बोलना है भाई ने तेरी जान बचाई। इन पैसों की वजह से आज तो बच गया, समझा? दोबारा इस कुएं के आजू बाजू देखा तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। बेवकूफ कहीं का। तेरी आकर इसे लेकर जाओ। तो तुमने सब कुछ देख लिया ना? जो कुछ हुआ उसे मजाक समझकर भूल जाओ, किसी को कुछ बताना मत वरना नाक कट जाएगी। अरे हम भाई है ना। आ गई छिपकली। ये क्या, तुम यहाँ पर पहले आए थे ना? तो कूद कर बच्चे की जान क्यों नहीं बचाई? तुम रुक क्यों गए? मैं दौड़ते हुए जोश में आगे आ गया, मगर जब पानी देखा तभी याद आया कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। तुम्हें स्विमिंग नहीं आती? अरे दूसरों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम खुद को बचाने के लिए तो स्विमिंग सीख लेते ना। बचपन में ही सीख लेनी चाहिए थी, अब पता नहीं कौन सिखाएगा मुझे। मैं सिखाऊंगी। पैर सीधे करो, हाँ सीधे, हाथ स्ट्रेट। अरे क्या कर रहे हो? सॉरी। ठीक से तैरो। अरे तैर तो रहा हूँ। हाथ मारो। पैर सीधे करो। हाँ हाँ ठीक है। अरे तुम अच्छा कर रहे हो, जल्दी सीख सकते हो। मैं स्विमिंग तो सीख जाऊंगा ना? हाँ जल्दी सीख जाओगे। ये ज़्यादा भोला बनने का नाटक कर रहा है। क्या हुआ? उसे ठीक से पकड़ो नहीं तो ये डूब जाएगा। तुम्हें पानी में उसके साथ अकेले छोड़ना मेरे लिए कितना बड़ा धोखा है, ये बात जानती हो कि नहीं तुम? सुनो भाई, मुझे भी स्विमिंग नहीं आती। हाँ तो आप अंजलि से कह दो वो मुझे भी स्विमिंग सिखा दे, मैं तो पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। पिप्पो जैसा शरीर है तेरा और तू एक प्यारी सी लड़की पर झपट्टा मारना चाहता है। उसे स्विमिंग करता हुआ देखकर वैसे ही मेरे अंदर आग लगी हुई है और तू उसमें अरे भाई, अरे घी डाल रहा है। रुक जाओ ना, आप टेंशन क्यों लेते हो? अरे आपको अंजलि पर भरोसा नहीं है क्या? अरे मुझे अंजलि पर भरोसा है मगर उसकी बाली उम्र पर नहीं है। वो कहाँ घास खाने वाली गाय और ये मांस खाने वाला शिकारी कब उससे अपना शिकार बना ले किसी को पता भी नहीं चलने देगा। एक मिनट इधर आओ ना। हाँ मुझे डुबकी लगाना सिखाओ ना। सुनो, इसे डुबकी लेना सीखना है। मुझे डुबकी मारना क्यों सीखना है? और कितनी देर पानी में तैरता रहूंगा? मुझे डुबकी लगाना सीखना है। डुबकी लगाकर क्या तू ओलंपिक में गोल्ड जीतेगा? स्विमिंग खत्म कर और जल्दी बाहर निकल। यहाँ बहुत लोग हैं, चलो अंदर चलकर डुबकी लगाते हैं। भाई भाई वो अंजलि को पानी के अंदर ले गया। ऐसा सोच क्या रहे हो भाई, जल्दी से रस्सी खींचो खींचो खींचो। लगता है अंजलि हाथ से निकल जाएगी। और इतनी बेशर्मी करता है, अंदर तो बेशर्मी पार कर देगा। तुम पानी में रस्सी डालकर ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नदी की गहराई नाप रहा था। गर्मियों में खेती करनी है ना, तो सोचा जरा देख लूँ पानी कितना गहरा है। अकेले ऐसे नेता हो जो किसानों का फायदा किसमें होगा ये दिन रात सोचते हो। सब देख लिया इसने। सुनो, पैसे कुछ कम हो गए तो एडजस्ट कर लेना, मगर हर रोज स्विमिंग सिखा देना। कचरा कर दिया। रात में लोगों को लालटेन पकड़ते हुए देखा है, मगर दिन में बल्ब जलते हुए पहली बार देख रहा हूँ। पैसे कमाने के और भी कई तरीके हैं, चूना लगाना बंद कर दो। क्या बोल रहे हो? अरे सुनो, मेहनत करो मेहनत। ये लाउड स्पीकर पूरे गाँव में बदनामी करवाएगा। सिखा दिया, घर चले। पूरा जुलूस निकाल कर अब बोलते हो घर चले। तुम इतने नाराज क्यों दिख रहे हो? लड़की भी ना। सुनिए बोलिए। मैं थोड़ा वीक स्टूडेंट हूँ, अगर सीखने में 10-15 दिन लग जाए तो आप मुझे तन मन लगा के सिखा देंगे ना? सुन तेरा मैं एक भी दिन बर्दाश्त नहीं कर पाया, 10-15 दिन का तो सवाल ही नहीं उठता है, समझ गया? बेबी गो टू हाउस, गो। ओके ला ला ला। ए रुक जरा सुन। अच्छा क्या तुझे सच में स्विमिंग नहीं आती? आती है। तो फिर तूने उससे झूठ क्यों कहा? देख लड़कियों को वो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो उन्हें साफ साफ कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता। अरे बस वही टेक्निक अंजलि के साथ यूज कर रहा हूँ। अंजलि रुको, और क्या क्या सिखा सकती हो मुझे? कपूर से अपनी ललिता को बचाना होगा। तुमने खाना खाया? ओए, ये सवाल हम अपने मेहमानों से पूछते हैं, इधर मेहमान ये क्यों पूछ रहा है? तुम तो क्या अभी कहीं जाने वाले थे ना? कहीं जाना तो था मगर मैंने प्लान चेंज कर दिया और अब तो अपना प्लान घर पर ही रहने का है। टेल मी डार्लिंग व्हाट यू वांट। तुम्हें साइकिल चलानी आती है? ओ। लड़कियों को वो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो उन्हें साफ साफ कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता। कहाँ खो गए? मुझे नहीं आती साइकिल चलाने। साइकिल में पैडल कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, कुछ पता ही नहीं। तुम्हें साइकिल चलाने आती है? आती है ना। तो फिर मुझे सिखाओगे? ये तो मेरा फर्ज है। तुम साइकिल रेडी करो, मैं तो बचपन से ही रेडी हूँ। थैंक यू। सुन, तूने उस दिन कहा था कि लड़कियों को वो लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो उन्हें साफ साफ कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता है। देख कभी कभी लड़कियों को वो लड़के भी पसंद आते हैं जो उनसे ये कहते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, समझ गया? टेक्निक वही है, बस थोड़ा ट्विस्ट डाला है। हमेशा कंफ्यूज कर देता है। आराम से, धीरे धीरे। बस ऐसे ही इसी तरह ऐसे ही ना? बहुत जल्दी सीख जाओगी। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है। ओके। हाँ। ये है हैंडल बार। ओह। अपने नरम मुलायम हाथों से इस हैंडल बार को टाइट पकड़ लो। अरे भाई, उसने हैंडल बार नहीं, अंजलि का हाथ टाइट पकड़ा हुआ। ये है पैडल। इस पर अपने कोमल कोमल पैर को रखो। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अपने पाँव से अच्छी तरह पैडल मारने को कह रहा हूँ। भाई दबा रहा है। पैडल दबा रहा है ना? पैडल नहीं, वो उसका पैर दबा रहा है। साइकिल चलाते वक्त कमर सीधी होनी चाहिए। क्यों? वरना तुम गिर सकती हो। मैं गिरूंगी तो तुम पकड़ोगे नहीं? पकड़ूंगा ना। तुम्हारी कमर में लचक ना आ जाए इसलिए पकड़ लेता। भाई भाई वो देखो वो क्या कर रहा है। बीवी भाग गई क्या? ऐसे क्यों चल रहा है? दोस्त मैं इसकी कमर पकड़ता हूँ, तुम आके साइकिल पकड़ लो। बहुत 440 वोल्ट का झटका दे रहा है। कोई बात नहीं, लगता है तुम टेंशन में हो। रहने दो, मैं संभाल लूंगा। देखो यहाँ भीड़ बहुत है, चलो कहीं अकेले में जाकर सीखें। ये मेरा दुश्मन ही अच्छा था, दोस्त बनकर हर रोज टॉर्चर करता है मुझे। भाई अपने दांत से काट कर साइकिल पंचर कर दूं? अपने रद्दी आइडिया अपने पास ही रख। यहाँ हम 6 लोग, उसे भीड़ नजर आ रही है। साइकिल सीखने के लिए अंजलि ने पहले आपसे ही पूछा था ना? अगर आपने तभी हाँ बोल दिया होता तो अंजलि आज आपके साथ होती। अरे जाने दे ना, एक साइकिल की तो बात है। ऐसा आपको लगता है भाई? साइकिल के बहाने उस शाने शक्ति ने आपको ही साइड में कर दिया और साइड से अंजलि को लेके निकल गया। ऐसी बात नहीं है राजा, भीड़ भाड़ वाले बस में कभी कभी लड़कियों को हाथ लग जाता है, वही सोच लेना। और क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? गलती से जब लड़कियों को हाथ लग जाता है तो वो चांटा मारती है। ये जानबूझकर हाथ लगा रहा है और वो हंस रही है। ऐसी बात नहीं है राजा। भाई कितने भी बहाने बना लो, लड़की हाथ से निकल चुकी है। वो सिर्फ 2 ही डायलॉग मारता है, मालूम है और नहीं मालूम है, और इसमें वो अंजलि को पटा ले गया। ऐसी बात नहीं है मेरे गोलू पोलू, उसने एक साइकिल सीख के उससे इम्प्रेस करने की कोशिश की। डोंट वरी, कल मैं बड़ी सी गाड़ी खरीद के उसे सेट करूंगा। कुछ भी ले लो, चलाएगा तो वही। भागो यहाँ से आस्तीन के सांपों, मेरे सीने में पहले से ही आग लगी हुई है और तुम लोग उस पर पेट्रोल डाल रहे हो। भागो यहाँ से। तुम तो जल्दी सीख गई, कमाल है। थोड़ा थोड़ा बैलेंस करो, बैलेंस करो, आगे देखो, आगे देखो। अब मैं अपना हाथ हटाने वाला हूँ। संभल कर, बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो। सॉरी, मेरी वजह से तुम साइकिल से गिर गई। अब तुम ऊपर में नीचे। मैं तो जानबूझकर गिरी। स्कूटी चला सकती हूँ तो क्या साइकिल नहीं चला सकती? तुम्हारे साथ वक्त बिता सकूँ इसलिए कहा कि मुझे साइकिल सीखनी है। मुझे भी स्विमिंग अच्छे से आती है। तुम्हें अच्छी तरह जानकर तुम्हारे करीब आना था इसलिए झूठ बोला। तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब जब हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो अब हमेशा संग रहेंगे। बेटा सुनो, यहाँ कोई मैकेनिक पास में हो तो क्या उसे बुला सकते हो? गाड़ी तुम्हारी खराब हुई है, तुम जाकर बुलाओ। मैं क्यों फटे में टांग डालूं? मैं क्या तुम्हारे घर का नौकर लगता हूँ? चल जा। ये मैंने क्या देख लिया? एक्सक्यूज मी। हेलो, एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई है, आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? मैकेनिक तुम्हारे सामने खड़ा है। मर्सिडीज से लेकर फरारी तक मैं सब रिपेयर कर चुका हूँ मैडम। ये अंकल कौन है तुम्हारे ड्राइवर? डैडी हूँ। डैडी, मैं बस 5 मिनट में सेट करता हूँ। किसे? गाड़ी को। जाओ। इंजन में कोई प्रॉब्लम होगा, अभी चेक करता हूँ। किस कंपनी की है? ओ, ये तो अपने ब्रांड की गाड़ी है। माँ मालदार पार्टी लगती है। पहले गाड़ी को फिक्स करूंगा, फिर लड़की को आराम से सेट करूंगा, उसके बाद शादी और फिर बच्चे। इसे जरा चेक कर लेता हूँ। सर गाड़ी स्टार्ट करो। स्टार्ट करने बोलो तो हॉर्न बजा रहे हो। कहाँ गए दोनों? सुनो बेटा मैकेनिक, गाड़ी रिपेयर करके घर में ड्रॉप कर देना। तुम्हें चाय पानी के लिए 10-20 रुपए दे दूंगा, समझे? साहब का घर पता है ना? इसे सब पता है। ए, जल्दी गाड़ी रिपेयर करके घर लेकर आ। पता है ना कौन है ये? माई अंकल चेन्नई कमिंग टू हियर। शी इज डॉटर अंकल ऑफ दिव्या। इंग्लिश समझता है ना गवार? कोई कॉमेडियन लगता है। कॉमेडियन नहीं, जोकर है अंकल। इसने मेरी अंजलि को पटाया है, मैं इसकी दिव्या को पटाऊंगा, तब होगा हिसाब बराबर। बैठिए बैठिए। मेरे दोस्त कादरे साहब सब लोगों से मिलना चाहते थे, इसीलिए आपको बुलाया। मानना पड़ेगा, इतने सालों से शहर में रहने के बावजूद भी आप गांव को नहीं भूले हैं। कैसे भूल सकता हूँ मैं? आप सब तो मेरे परिवार जैसे हैं, भाई बहन जैसे हैं। मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, लड़का मेरे दोस्त का बेटा है, शहर में बहुत बड़े पोस्ट पर काम करता है। मैंने सोचा आप सबको निमंत्रण दे दूं, इसीलिए आ गया। ये क्या आप बुलाएंगे और हम नहीं आएंगे? सिर्फ मैं ही क्या, पूरा गांव आएगा और शादी को त्योहार की तरह मनाएगा। और बताओ भाई, क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। उसे डॉगी पसंद है और मुझे डॉगी की मालकिन। पहले डॉगी का दोस्त बनता हूँ, फिर मालकिन का बॉयफ्रेंड बनूंगा। सुनिए सुनिए मैडम, सुनिए, क्या ये बेबी आपका है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? ये बेचारा रास्ता भटक कर अकेले घूम रहा था, तभी कुछ गली के डॉगीज इस पर झपट पड़े। हाँ? मैंने अपनी जान पर खेलकर इसे बचाया, लेकिन इस छोटे पप्पी पर आंच नहीं आने दी। गली के डॉगी से बचकर घर के डॉगी के पास आ गया। मदद करने के लिए थैंक यू। तुम चाय कॉफी कुछ लोगे? आप प्यार से जो भी देंगी सब मंजूर है मुझे। गौमूत्र पिएगा? ये लो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। विदेशी बिस्किट लगता है। तूने अंजलि को एक हफ्ते में पटाया और मैंने दिव्या को एक दिन में। अब तू देखता जा, पहले ही मीटिंग में मैंने अपनी सेटिंग कर ली। फर्स्ट मीटिंग में उसने मुझे विदेशी बिस्किट दी है, नेक्स्ट मीटिंग में मैं उसे आम पापड़ दूंगा। बकवास बंद कर, मुझे भी एक बिस्किट दे। नहीं, ये प्यार का पहला तोहफा है, शेयरिंग नहीं होगी। तुम ये बिस्किट क्यों खा रहे हो? तुमने इतने प्यार से जो दिया इसलिए। ये डॉगी के बिस्किट है। डॉगी के बिस्किट? उसे खाने से तो मुँह में झाग निकलता है ना, इसका मतलब खंबा देकर ये टांग उठाने वाला है। ए, 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 कोई बचाओ इसे। मुझे यहाँ क्यों बुलाया तूने? मुझे प्यार हो गया है। कौन है वो बदनसीब? तेरे अंकल की बेटी। इसकी किस्मत ही फूटी है। कौवा कितना भी नाले वो हंस नहीं बन सकता, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? कौवे को हंस बनना है या मुर्गी, मुझे क्या। तू ये सब बोलकर मेरा भेजा फ्राई करने की कोशिश मत कर। एक बात बता, वो तुझसे क्यों प्यार करेगी? वो तो फॉरेनर की तरह एकदम फेयर एंड लवली है, तू गोदाम में रखी पुरानी और फटी बोरी है, जोड़ी नहीं बनेगी। झूठे वादे करने वाले अगर इलेक्शन जीत सकते हैं तो क्या मैं गोरी अंकल की बेटी का पति बन के उनका जमाई नहीं बन सकता? रंग के नाम पर मेरे प्यार का रंग भंग मत कर। अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तेरी बात सुनकर वो बेचारी ऐसे ही मर जाएगी। सुन, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है भाई, अगर उसकी शादी हो भी जाए तो भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ए, तू एक खंबे से दूसरे खंबे तक क्यों भाग रहा है? एक जगह खड़े होकर बात नहीं कर सकता? अगले हफ्ते शहर में उसकी शादी है, एक हफ्ते में तू क्या कर लेगा? कल हम शहर जाएंगे, उसके होने वाले पति को किडनैप करेंगे और मारने की धमकी देंगे। माना तो ठीक, वरना नहीं। भाई इसमें बहुत रिस्क है, मैं नहीं आने वाला। दिव्या मुझे नहीं मिली तो अंजलि भी तुझे नहीं मिलेगी। अपनी जान देनी पड़ी तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। पर तुम दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर दूंगा। तू तो सीरियस हो गया यार, मैं क्या मजाक भी नहीं कर सकता? नाराज क्यों होता है? कल हम शहर जाएंगे, उसके होने वाले पति को किडनैप करेंगे, ठीक है ना? दोस्त, एक बार तुझसे गले मिलने का मन कर रहा है। आजा आजा दोस्त। आई लव यू। आई लव यू टू। दोस्त, TN105963 यही दिव्या का होने वाला पति है। ए रुक 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 रुक, खाली हाथ क्या उसे हाथ मिलाने जा रहा है? इसे लेकर जा। पागल है, मंदिर के अंदर ये लेकर नहीं जा सकते। कौन कहता है इससे चोट लगती है? हाँ, ये तो भगवान की भक्ति है। तेरी राइमिंग की टाइमिंग ने मेरा दिल जीत लिया। ए, तू टाइम वेस्ट मत कर, अपना काम कर जा। अरे इस तरह तो कोई भी इसे पहचान लेगा। हाँ, आइडिया। ए, सुन इधर आ। जब करने जाए कोई वार, डोंट कॉल हिम बार बार। उसे मारते वक्त किसी ने तुझे पहचान लिया तो पुलिस वाले तुझे अंदर डाल देंगे। तो अब क्या करूँ? दीदी जरा ये पकड़िए। ठीक है, एक मिनट। जय हो। क्या कर रहा है ये? बिल्कुल सही है। तू तो साउथ का सुपरस्टार लग रहा है। मेरे इस चेहरे को देखकर लोग हंसेंगे। जा तू अपना काम कर। देखो भीड़ में घुस गया। कोई बात नहीं, मैं भीड़ में घुसकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। काम करके वापस आना। अभी जाकर उसका कीमा बनाता हूँ। हट जाओ, हट जाओ। कहाँ गया वो? अरे वो भाग रहा है। रुक 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 रुक, देखो चला गया, चला गया, चला गया, भाग गया। वो कहीं भी चला जाए मुझसे नहीं बचेगा। तू ऑटो पकड़ के ला, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। वही है, फॉलो करो। पहला मर्डर है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डालू के अंदर, सब्र करना। डालू के अंदर, डाल दूं के अंदर। अरे मार दो ना सर, गाय को खाली फुकट की हुलपट्टी दे रहे हो। ए, तू क्यों बीच में बोल रहा है? मैंने ऑटो में कितने मर्डर होते हुए देखे। पुलिस आने से पहले अपना काम खत्म करो। ये मेट्रो सिटी है, यहाँ जगह जगह पर कैमरे लगे हैं। जल्दबाजी में कुछ गलती मत कर देना। तो सुन, ये ले, बिल्कुल सही स्पॉट मिला है तुझे। इसको टपकाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मूत्र विसर्जन करने से पहले तो इसका अंतिम संस्कार कर देना। यही कब्र खोद दूं? उल्टी गिनती शुरू कर दे। ये क्या मॉर्निंग वॉक के लिए आया है? पीछा करते करते पैरों में छाले पड़ गए मेरे। बाहर से यहाँ आकर स्कूल के मासूम बच्चों को किडनैप करते हो, कॉलेज की लड़कियों को किडनैप करके रेप करते हो। इनकी लाशों को गटर में फेंक दो, बोल देंगे सबके सब एनकाउंटर में मारे गए। काम तमाम, केस खत्म। ए, कहाँ रह गया था और क्या हुआ तुझे? रजनी की तरह गया था और गजनी की तरह वापस आ गया। दोस्त, अकेले नारियल पानी पीकर आया ना? ये नारियल पानी नहीं है, शरीर का पानी है। उसे देखकर मेरी पैंट गीली हो गई। वो पुलिस वाला है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। क्या कहा? वो अंदर चुन चुन कर लोगों को मार रहा था। 4 गुंडों को घुटने पर बैठाकर एक एक करके नरकवासी बना रहा था। अरे तू डर क्यों रहा है? तेरे जैसा बहादुर एक बंदूक से नहीं डरता। अरे मैं तो पिचकारी वाली बंदूक से भी डर जाता हूँ। दोस्त, तूने मुझे प्यार करते हुए देखा, कॉमेडी करते हुए देखा है, मगर एक्शन करते हुए देखा है क्या? नहीं। तो अब देख लेना। चल, कंप्लेन नहीं लोगे इसका क्या मतलब है सर? हाँ, आप तो कहते हैं आप जनता के दोस्त हैं, तो आज मेरे दोस्त को कुछ सवालों के जवाब चाहिए सर। ओ, कौन है ये लोग? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? कंप्लेन देने आए हैं सर। तो कंप्लेन लेकर भेजो ना इन्हें। आपके खिलाफ कंप्लेन देने आए हैं सर। मेरे खिलाफ? अगर आपने हमारी कंप्लेन नहीं ली तो हम कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देकर मीडिया को वहाँ बुला लेंगे। चल मेरे साथ। एसी में तेरे पसीने क्यों छूट रहे हैं? ये पसीना इस एसी की वजह से नहीं, उस एसी की वजह से छूट रहा है। ओह, उसे देखकर मैं डर से कांपने लगता हूँ। अभी तेरे डरने का टाइम नहीं है, डराने का टाइम है। तुझे देखकर उसके पसीने छूटने चाहिए। ये सब निकाल। अरे क्या कर रहा है? मेरे शर्ट का बटन क्यों खोल रहा है? अगर तुझे उसे डराना है तो तेरे पास बॉडी होनी चाहिए, या फिर बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तेरे पास बॉडी तो नहीं है, कम से कम अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसका चूहा बना दे। हाँ, अब चल। अब तो देख मेरी बॉडी लैंग्वेज। सर, ये हुई ना बात। अब मेरे दोस्त का जलवा देखना। मेरा वॉक देखकर वो शॉक हो जाएगा। क्या चाल है? तू क्या कोई डॉन है? एसीपी के ऑफिस में ऐसे शर्ट खोल करके जाएगा? अपने दोस्त को देख, ऊपर से नीचे तक डिसेंट लग रहा है। इसने अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं बदली। बटन बंद कर, अंदर जा, जाहिल। चल ना अंदर। देख, ऐसे रोते नहीं। समझ कर देख कर बैठना। क्या बात है सर? मुझे ना, कैन आई ड्रिंक सम वाटर? थैंक यू सर। ये ऐसे कांप क्यों रहा है? सर, ये आपसे ना बहुत नाराज है। वो क्या बोल रहा है? उसके हाथ में गन है, वो मुझे यहीं शूट कर देगा। डर मत ना, मैं तेरे साथ। बोलो क्या बात है? सर, इसके अंकल की बेटी से मैं प्यार करता हूँ। अच्छा। मेरे पड़ोसी की बेटी से ये प्यार करता है। ठीक है। इसके अंकल की बेटी से आपकी शादी होने वाली है। अगर आप इसके अंकल की बेटी से शादी करेंगे तो मैं किसके अंकल की बेटी से शादी करूंगा? सच बोला तो टेंशन में आ गया है। कौन हो तुम? ये हमें नहीं जानता। ये फिर आ गया। अगले एनकाउंटर की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है? एक जरूरी बात करनी है, बाहर आइए। चलो बाकी की बातें गाड़ी में करते हैं। चलिए सर। ये हमें कहाँ ले जा रहा है? अभी लंच टाइम है ना, होटल में ले जाकर बिरयानी खाएगा और वहाँ आराम से बैठकर बात करेगा। अरे चल ना। बोलना वेज बिरयानी मंगाई, आज मैं नॉनवेज नहीं खाता। तूने तो बोला होटल लेकर जाएंगे। लगा तो था, बस स्टैंड लेकर आ गया। सर टिकट। हाँ लगता है पिक्चर दिखाने वाला है। ये लो, इसमें 2 टिकट्स हैं। कौन सी पिक्चर की सर? दोबारा कभी मुझे दिखाई मत देना, अपने गांव निकलो, जाओ। हेलो क्या सर, हम आपसे जरूरी बात कर रहे हैं और आप हमारी बात सुनने की बजाय टिकट देकर हमें वापस गांव भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप पुलिस ऑफिसर हो, इसीलिए अभी तक नरमी से पेश आ रहा हूँ। सर हमने उसे देख लिया। आप वर्दी पहनने के बाद गुंडे बने, पर मेरा दोस्त तो स्कूल से ही गुंडा है। हाँ तूने मुझे स्कूल जाते कब देखा? मेरी मौत की एडवांस बुकिंग क्यों कर रहा है? तू रुक ना। ए भगवान, तू अंतर्यामी है, तू ही मेरा स्वामी है। इस शैतान की गोली से आज मुझे बचा ले, मैं जिंदगी भर तेरी भक्ति करूंगा। भगवान बचा ले, बचा ले। मैं बच गया। ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है। फिर ऊपर कौन गया? कौन है ये? सरेंडर करने के लिए कहा था तो तू अंडरग्राउंड हो गया है? सर ले जाओ इसे। ओके सर। तो तुम दोनों कुछ बोल रहे थे ना, क्या बात? सर आपने इतने प्यार से हमें समझाया कि हमने गांव जाने का फैसला कर लिया, चलो चलते हैं। 1 मिनट। क्या हुआ? सर एक रिक्वेस्ट है, इस सिक्के से टॉस करते हैं। अगर टेल आया तो लड़की आपकी और हेड आया तो लड़की मेरी। हेड आया है यानी लड़की मेरी। इसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? सिक्का टॉस करेगा तुझे, ये क्या क्रिकेट का मैच लग रहा है तेरी? क्या हुआ? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। बोल क्या है? बस छूटने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तब तक अपना हिसाब पूरा कर लीजिए। मैं जाकर तेरे लिए विंडो सीट पकड़ता हूँ। संभल कर सर, बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। मेरे दोस्त का दिल सोने का है, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। बस के अंदर भीख मांगना अलाउड नहीं है। हट हट, बाजू में बैठ, दूर दूर। तू, उसने तेरी ऐसी हालत कर दी और तूने उसे ऐसे ही जाने दिया। हाँ तूने भी तो कुछ नहीं किया। मैं उसे मारने वाला था मगर यूनिफॉर्म में था इसलिए छोड़ दिया, वरना बहुत मारता। लंबी लंबी फेंक सकता है वो इंसान, नहीं जानवर है। पूरे बस स्टैंड पर लेटा लेटा के मारा है। अरे तू रो क्यों रहा है? मैं हूं ना, तुझसे वादा करता हूं ये शादी कभी नहीं होगी। तुझे कैसे पता? होने वाला पति होगा किडनैप, शादी का प्लान सुपर फ्लॉप। फिर से फेंक रहा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए ना, हम भी चल रहे हैं। नमस्ते, आइए। आ गए मक्का खाना। ए अंजू रानी, क्या हाल है? सच कहूँ शादी देखकर मुझे भी शादी करने का मूड हो रहा है और मुझे हनीमून पर जाने का मूड हो रहा है। अपनी रासलीला किचन में जाकर मनाओ। कबाब में हड्डी हमेशा डिस्टर्ब करेगा। चल जा यहाँ से। सेंस। चल जा अंदर, जाकर मेहमानों का ख्याल रख। जल्दी जल्दी पत्ते लगाओ भैया, सब आपको ढूंढ रहे हैं। सॉरी भाई साहब। तू क्या हो गया तुझे? तू यहाँ दूल्हे के गेटअप में क्या कर रहा है? तूने ही कहा था पति को किडनैप करके शादी रोकेंगे, सब भूल गया क्या तू? तेरी बात पर यकीन करके दूल्हे का ड्रेस पहनकर आया हूँ। देख तू इस बार मुझे गोली मत देना। अच्छा ऐसी बात है, उस दिन तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, वरना तू पता नहीं और क्या बखेड़ा करता। तूने उस बात को इतना सीरियसली ले लिया तो इसका मतलब मेरी शादी उससे कभी नहीं हो पाएगी। उससे क्या किसी से भी नहीं होगी, तू ऐसे नहीं समझेगा। इधर आ, इसे एक घूंट में पी जा और इस शादी का ऑडियंस बनके मजा ले। ओके चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। इतने से अच्छा पी लेता हूँ। दुल्हन को बुलाइए। आप दूल्हे को बुलाइए। कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर, आप पर इंक्वायरी चल रही है, जरा 5 मिनट के लिए इधर आइए। पापा, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। सर, ये सब क्या है? मेरी बेटी की शादी हो रही है, आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इन पर रिश्वत लेकर बैंक के लुटेरों को भगाने का और बाहर से आए मासूम स्टूडेंट्स का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा है। ह्यूमन राइट कमीशन से इन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है, इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, इन्हें हमारे साथ चलना ही होगा। ये सब क्या है? कुछ नहीं होगा, मैं देखता हूँ। शादी से पहले लड़की के बारे में पूछताछ करवा लो, पर लोग इनकी मानते ही नहीं। अब देखो, भुगतना पड़ रहा है ना इन्हें। क्या होगा इसके बाद? भाई साहब, पापा, भाई साहब क्या हुआ आपको? पापा क्या? भाई साहब बोलिए तो। नहीं, क्या हुआ? सर, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, शादी हो जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। सर, ये फर्जी एनकाउंटर केस है, अगर साबित हो गया तो कम से कम 10 से 15 साल की जेल है। अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आई एम सॉरी सर। आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। सुरेश, मैं अपनी बेटी का गुनहगार हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही देखा, लड़का अच्छी नौकरी करता है। वो अच्छा है कि बुरा है, मुझे कुछ नहीं पता था। आप चिंता क्यों करते हैं? आपने पूरे गांव को इस शादी में बुलाया है, हम आपके साथ हैं। आप गांव में से किसी भी लड़के को चुन लीजिए, हम आपकी बेटी की शादी उससे करवा देंगे। ऐसे समय में इतनी जल्दी कहाँ से अच्छा लड़का ढूंढूं? भाई साहब, आपको लड़का ढूंढने की जरूरत क्या है? आपके दोस्त का बेटा शक्ति जो है, आप उनसे जाकर एक बार बात तो कीजिए, वो उनके बेटे की शादी आपके बेटे के साथ जरूर करवाएंगे। हाँ नहीं भाई, ये ठीक नहीं होगा। ये बात शादी से पहले की होती तो ठीक होता। अब इस तरह जब अचानक मेरी बेटी की शादी रुक गई है तो किस मुंह से जाकर बोलूं कि तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर लो? दोस्त, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? क्या हम दोनों के परिवार अलग अलग हैं? दिव्या बेटी मेरी भी कुछ लगती है, और उसे इस हालत में देख कर मैं चुप नहीं बैठ सकता। अभी इसी वक्त मैं आप सबको बता देता हूँ, आज ये शादी होकर रहेगी। इसी मंडप में मेरा बेटा दिव्या को मंगलसूत्र पहनाएगा। आज शादी होकर रहेगी। एक बार आप अपने बेटे से भी तो पूछ लीजिए। मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ऑटो चलोगे क्या? आपको पता है ना कहाँ जाना है। मैं पीछे वाले गेट पर हूँ, कोई काम हो तो बुला लेना। हाँ हाँ जरूर बुला। बस यहीं रुक दो। हाँ, कहाँ जाना है? ये लो। ए, फोन पे फोन करके इतना अर्जेंटली मुझे बुलाया और तू यहाँ आराम से बैठकर कार्टून देख रहा है। बता क्यों बुलाया मुझे? हाँ, बोर होकर जो फोन करता है वो फ्रेंड होता है, जो बियर पीने के लिए फोन करता है वो बेस्ट फ्रेंड होता है। तू सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछ। ये बता, लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज? अगर तूने मरने का फैसला कर ही लिया है तो जहर खा के मर या फिर लटक के, क्या फर्क पड़ता है। एकदम सही बोला तूने। एक आदमी अकेले खुशी से रह सकता है, एक औरत अकेले खुशी से रह सकती है, मगर आदमी और औरत एक साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। यार तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मैं अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला हूँ। तेरी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच जो डिवोर्स की नौबत आ गई? फर्स्ट नाइट छोड़कर बाकी डिटेल में बता सकता है। तुझे फर्स्ट नाइट से ही सब बताता हूँ। रात के 9 बजते ही मैं अपने बेडरूम में चला गया। 10 बज गए मगर वो आई नहीं, 11 बज गए मगर वो आई नहीं, फिर रात के 12 बज गए। आई क्या? घर की नौकरानी आई। मैडम ने कहा है वो अपने काम में बहुत बिजी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो कल सुबह आएगी, आप सो जाइए। उस दिन मैंने सिर्फ दरवाजा ही बंद नहीं किया, फिर मेरे दिल को भी बंद कर लिया। जिसे रात को ग्लास में दूध लेकर आना चाहिए था वो सुबह कप में कॉफी लेकर आई। सुनो, अभी अभी हमारी शादी हुई है, अगर हम एक दूसरे को जान लें तो लाइफ अच्छे से कट जाएगी। हम एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे। जब तक हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती तब तक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ये बोलकर तो उसने सुहाग रात का पैकअप ही कर डाला। यहाँ तक भी ठीक था, मगर पता है उस दिन क्या हुआ? ए, क्या हुआ? तुम गिरी कैसे? उठो उठो, संभल कर, आराम से। हाथ छोड़ो, बाथरूम में पानी किसने डाला? मैंने डाला, सुसु गया इसलिए पानी डाला। सुसु करने के बाद कोई फर्श पर पानी डालता है क्या? इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे गांव में तो सुसु करने के बाद हाथ पैर धोकर ही घर के अंदर जाते हैं। शहर में तो घर के अंदर ही बाथरूम है, इसलिए सुसु जाकर पैर धोकर बाहर आया। पैर धोकर अंदर आने के लिए क्या ये कोई पब्लिक टॉयलेट है? ये वेस्टर्न टॉयलेट है। घूरो मत, पहले इसे यूज कैसे करते हैं वो सीख लो। टॉप ओपन करते हैं, सुसु करते हैं, फिर बटन दबाकर फ्लश करते हैं, ये अपने आप क्लीन हो जाता है। समझ गए ना? अगर उसने 1 2 3 सिखाया होता तो ठीक था, मगर अब नंबर 1 जाने के लिए भी उससे सीखना पड़ेगा। जब मैं पहली क्लास में था तो सुसु करके कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता था यार। क्या पहली क्लास से तू स्पोर्ट में ओलंपिक का गोल्ड मेडल चैंपियन था? अगर पत्नी अपने पति को किस करना सिखाती तो बात समझ में आती, मगर इसने तो तुझे पिस करना सिखाया। फिर क्या हुआ? शती, राहुल को बर्गर खिला देना, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। और फ्रिज में दूध रखा है, उसे गर्म करके ही पिलाना। राहुल बेचारा घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है, उसे बाहर शॉपिंग के लिए ले जाना। ओके, और इसे साफ कर देना प्लीज। ये राहुल कौन है? उसकी बहन का लड़का, उसका पालतू डॉगी। राहुल को खिलाने के लिए चीज बर्गर होता है, गर्म दूध होता है, मगर उसका पति घर में रोज खाली पेट सोता है। मेरे दोस्त, तेरी किस्मत अच्छी है जो तेरी बीवी ने घर में एक पालतू डॉगी पाल रखा है। कितनी बीवियां तो ऐसी हैं जो पति को ही डॉगी समझती हैं। गांव की लड़कियों पर भूत हावी हो जाता है और शहर की लड़कियां पति से ज्यादा डॉगी को प्यार करती हैं। चल। और उस दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था, जानते हो क्या हुआ? चलो भैया, कल मिलते हैं। चलता हुआ, टाइम हो गया, मोटर चालू करनी है, चलता हूँ। अरे दोस्त पीटर, तुम तो बैठो, गार्डन में पानी भी देना है। चलो चलो। क्या हुआ तुम लोगों को? 5 मिनट रुको, मैं खाना लगाती हूँ, साथ मिलकर खाएंगे। नहीं, तुम ही खा लो, मैंने फिश फ्राई करके अपना खाना खा लिया। तुम फिश लाने के लिए मार्केट गए थे? मार्केट कौन जाएगा? टैंक में इतनी बड़ी मछली बेकार में तैर के टाइम वेस्ट कर रही थी। उसे बाहर निकाला, साफ किया, तल कर खा लिया। तुमने टैंक में रखी वास्तु मछली खा ली? अच्छा, वो वास्तु मछली थी? मुझे तो लगा था कि सुरमई है। उस मछली की कीमत जानते हो? 1.5 लाख रुपए। क्या कहा? एक मछली 1.5 लाख रुपए की? मगर टेस्टी नहीं थी, दुकानदार ने उल्लू बनाकर बेचा होगा। हमारे गांव में तो इतने रुपए में पूरे साल भर की मछली मिल जाती है। शहर की लड़कियां कितनी बेवकूफ होती हैं। अरे, you know what you have done? Are you an idiot? वास्तु मछली और सुरमई मछली में फर्क नहीं पता तुम्हें? Do you know how much is that fish worth? You're good for nothing. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जाहिल कहीं के। क्या बताऊं दोस्त, इंग्लिश की वजह से तुझे बहुत अपमानित होना पड़ा। ए, इंडिया में पैदा होकर इंग्लिश ना आए तो अपमान नहीं होता, हिंदी बोली ना आए तो होता है। फिर क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आया, जानता मैंने क्या किया? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? यहाँ देखो, एक मछली खाई तो सारा घर सर पे उठा लिया। यहाँ देखो, पूरा टैंक मछलियों से भर दिया है मैंने। अब तो खुश हो ना तुम? मेरी महंगी वास्तु मछली खाकर ये खाने वाली मछली लेकर आए हो? मेरे घर को तुम फिश मार्केट बनाना चाहते हो और पूछ रहे हो कि मैं खुश हूँ या नहीं? क्या कर रही हो? 1000 लाख मछली है, सब बर्बाद कर दिया। हर रोज सुबह शाम इसी तरह उसका टॉर्चर सहना पड़ता है दोस्त। तुम दोनों के बीच में बस छोटी छोटी गलतफहमियां हैं दोस्त, मैं उसे अपने स्टाइल में ठीक कर दूंगा, परेशान मत हो। ले पी। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ शराब से काम नहीं चलेगा, तो दोस्तों का साथ भी चाहिए। अभी हो जाएगा। क्या बात है, कम ऑन। दिव्या, दिव्या जरा देखो तो कौन आया है। जी हेलो तो छोड़, ये तो मेरा कचरा कर चली गई। एक मिनट। हाँ दिव्या, घर आए मेहमानों से ऐसे पेश आते हैं। तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? उसे देखकर ही घिन आती है मुझे, उसे भगा दो। अरे मैंने उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही चला आया। घर आए मेहमान को जाने को कैसे बोलूं? तुम चाहे कुछ भी करो, 10 मिनट में उसे बाहर निकाल दो। उसे देखकर ही उल्टी आती है मुझे। वो कुछ जरूरी काम से आया है, 1 हफ्ता रहेगा फिर चला जाएगा, तब तक उसे रहने की जगह दे दो ना। ओह गॉड, 1 वीक? नो वे। उसके बोलने का तरीका, उसका स्टाइल। यहाँ सिर्फ 2 बेडरूम है, एक में तुम रहते हो और दूसरे में मैं रहती हूँ। वो हॉल में सो जाएगा। हॉल में राहुल सोता है। अगर ये राहुल के साथ सोएगा तो इसकी बीमारी उसे लग जाएगी। ठीक है, मैं ही कुछ बहाना बना देता हूँ। दोस्त, वो पूछ रही थी तुम्हें दम बिरयानी पसंद है या फिर टिक्का बिरयानी, वो जो उसमें। तूने सुन लिया क्या? ओ, सब कुछ सुन लिया? अरे नहीं, मैं अभी जाकर उसे क्या लगता है मुझे स्वाइन फ्लू है जो उसके डॉगी को इन्फेक्शन हो जाएगा? डॉगी को इंसान और मुझे डॉगी जैसा बना दिया। तेरी बीवी को मुझे देखकर वॉमिट आती है। हा? मैं क्या सुलभ शौचालय हूँ जो मुझे देखकर वॉमिट आती है? हा? सुन, मैं अभी जाकर उसे मना। अगर तू रोकेगा ना तब भी मैं इस घर में नहीं। बाय। मेरी बात तो सुन, मैं बात करता हूँ ना दोस्त, बात मान। अरे बात मान। लगता है वो मान गई, देखता हूँ। अपना बैग लेते जाओ, कहीं इसकी बीमारी राहुल को लग गई तो। ओए, इज्जत का भाजी पाला होने से अच्छा है तू ही मुझे निकाल दे। टेंशन क्यों ले रहा है? इसने तुझे जगह नहीं दी तो क्या हुआ? इस बिल्डिंग में मैं तेरे रहने का इंतजाम करूंगा। देखो भाई, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर रात को 12:30 बजे विश्वम अय्यर अपना काम खत्म करके यहाँ आता है, उसके बाद ही तुम यहाँ आ सकते हो। चलेगा। वो 3 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए चला जाता है, उसके पहले तुम्हें जाना होगा। हाँ, चलेगा। इसके बीच में तुम जितना चाहे उतना सो सकते हो। इसके बीच में सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम है। तुझे पूरा 1 घंटा मिल रहा है ना? ये इसकी बीवी है, मास्क लगा के रखना। देखा तेरा क्या इंतजाम किया है, अच्छे लोग लगते हैं। चकना क्या तेरे नाना लाएंगे? अभी लेकर आ। चल जा। एक सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी बीवी को कंट्रोल में रख सकता है। कभी तूने अपने वाली पर हाथ उठाया है? सोच भी नहीं सकता। किसी की बीवी बातों से मानती है और किसी की सिर्फ लातों से। तेरी बीवी लातों से मानने वाली टाइप्स है। बीवी को मारना गलत नहीं होगा। अगर बच्चे गलती करते हैं तो क्या टीचर उन्हें नहीं मारती है? वैसे ही जाकर अपनी बीवी को मार, तभी वो तेरे कंट्रोल में रहेगी। अच्छा, आज ऐसी मार मारूंगा मेरी गुलाम बन जाएगी। देखते जा, आज बताऊंगा मैं क्या चीज हूँ। जहाँ मुझे बैठना चाहिए वहाँ डॉगी बैठा है। तुम जानते नहीं राहुल के साथ कैसे पेश आना है? और तू जानती है कि पति के साथ कैसे पेश आना चाहिए? तू डॉगी के साथ खाती है, उसके साथ टीवी देखती है, उसी के साथ घूमती रहती है। तुझे तो डॉगी के साथ शादी करनी चाहिए थी। डॉगी क्या लगा रखा है? इसका नाम राहुल है। दोबारा इसे कुछ भी कहा तो तुम्हारी जान ले लूंगी। तू मेरी जान लेगी? मैं तेरे डॉगी को मार दूंगा। तुमने मेरे राहुल को मारा? हाँ, मारा। अब तू अपने पति को मारेगी? इसे लगता है मैं डरपोक हूँ। कहाँ गई? बोल। दोस्त, तूने मारने को कहा था, मैंने मार दिया। वेरी गुड। इसी तरह ब्रेकफास्ट में 2 झापड़, लंच में 4 मुक्के और डिनर में 6 घूसे देते रहना, तभी वो तेरे कंट्रोल में रहेगी। क्या उसे रोज मारूं? अरे 1 झापड़ मारने के बाद वो बेहोश हो गई, आंखें बंद है, सांसें नहीं चल रही, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। कहीं वो मर तो नहीं गई ना? मैंने उसको हल्के फुल्के स्नैक देने को कहा था, उसने तो पूरा बुफे परोस दिया। अब कहाँ चला गया वो? लगता है भगा भगा के मारा है उसको। यहाँ जरूर महाभारत हुई होगी। अर्जुन की तरह शांत रहने वाला आज भीम कैसे बन गया? किधर गया? लोचा है क्या? अरे क्या हो गया? उठ। अरे उठ उठ, क्या हो गया? उठ। क्या हो गया? दोस्त रो मत, रो मत, ये तेरा पहला मर्डर है ना, परेशान मत हो। एक काम करते हैं, उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके इस बोरी में भरकर दूर नदी में फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा बॉडी कहाँ है? कौन सी बॉडी? मारा क्यों? उसे फोन करने के बाद मैंने आखिरी बार चेक किया कि वो जिंदा है या नहीं, इसलिए उसके मुंह पर पानी छिड़का। वो सुनामी की तरह मुझ पर झपटी और मुझे बहुत सॉलिड मारा दोस्त। ओ गॉड, मतलब शिकारी शिकार बन गया। फिर मारा। इतने टाइम से तुझे क्या समझा रहा हूँ। सुन, आगे से तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। एक बार पत्नी पति को मारना शुरू कर देना तो रोज मारती है। मैं नहीं चाहता तेरी रोज धुलाई हो। नहीं, नहीं, नहीं। आज से जब भी तू घर में होगा सर पर हेलमेट पहन कर रखना, नी कैप पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना, और सुन एब्डोमेन गार्ड भी पहन ले। वो चाहे तो कहीं भी अटैक कर सकती है। आंसू पोंछ, चल पुलिस स्टेशन चलते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उसके नाम की कंप्लेंट देकर यहाँ से खिसक लेते हैं। चल चल, मुझे लगता है वो आ गई। जा दरवाजा खोल। तू जाना। मैं जाऊँ? मैं जाता हूँ। रुक जा, ये तेरी सेफ्टी के लिए। दोस्त अच्छा सुन, अगर मैंने तेरी पत्नी को मार दिया तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बस समझ वो गई काम से। क्या हुआ? ये उसे डॉगी की तरह क्यों धो रहा है? तू इतना क्यों डर रहा है? लड़कियों को मारना कोई बड़ा क्राइम थोड़ी ना है। हमने थोड़ी ना कोई उसका मर्डर किया है। इंस्पेक्टर के पास जाएंगे, सारी बातें उसे बताएंगे और 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे। पट 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 अपने घर चले जाएंगे। कानून हम भी जानते हैं। और क्या, आराम से ठीक से देखा करो। और करेगा चोरी? तेरी सिट्टी बिट्टी गुल क्यों हो गई? पता करेगा क्या? चल दोस्त, दिखा दे कि तू क्या चीज है। फिर से वही टकला। अरे ओ गली के नेता, तुम यहाँ पर भी आ गए? सर, फेविकोल की तरह हमारी दोस्ती का जोड़ भी मजबूत है। मैम, आपको मारने का आइडिया इसी का था ना? हाँ सर। मरवा दिया इसने। क्या तुमने अपनी पत्नी को मारा? सर, इसमें मेरी गलती नहीं है सर। हाँ। ये मुझे रोज टॉर्चर करती है। गुस्सा आया तो लात मारती है। अच्छा। जब देखो डांटती रहती है। पत्नी पति को मारती है तो केस नहीं बनता, मगर जब पति पत्नी को मारता है तब केस बनता है। ये कह रही है इसके आने के बाद तुम दोनों में झगड़े हो रहे हैं, और झगड़ा इतना तगड़ा हुआ कि यहाँ तुम्हें पुलिस स्टेशन तक आना पड़ा। अगर तुम्हारे झगड़े का कारण ये है तो तुम्हें छोड़ देंगे, इसे अंदर कर देंगे। तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम है तो तुम पर तगड़ा केस चलाऊंगा। सच क्या है बताओ। हाथ क्यों हटा रहा है? सर, पति और पत्नी में नोकझोंक होती रहती है, इसमें किसी तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। करेक्ट। दोस्त, तूने जो किया गलत किया। दोस्ती और कानून में मैं कानून को चुनूंगा। सर, रूल्स के मुताबिक इस पर जो एक्शन लेना है आप ले सकते हैं। मैडम, तुम्हारे पति ने सच्चाई बता दी, छोड़ दो उसे। सवाल ही नहीं उठता। ये खुद को समझता क्या है? अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। एक दिन जेल में रहेगा तब समझ आएगी। केस दर्ज नहीं किया तो कमिश्नर से कंप्लेंट कर दूंगी। सच में इस पुलिस वाले को तो यही ठीक कर सकती है। कितनी घमंडी है। सुनो, तुम्हारी पत्नी का केस एकदम स्ट्रांग है। मुझे तुम्हें लॉकअप में बंद करना होगा। सुनो। यस सर। इसे सेल नंबर 1 में ले जाओ। आओ सर, मेरे दोस्त को आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। सर, आ जा रहा है तू। रुक, मुझे आउट। अब मुझे भी कॉपरेट करना पड़ेगा। अरे शर्ट क्यों उतार रहा है? आपने मूंछ हटाई तो मुझे पता चल गया कि मेरी शर्ट उतरने वाली है। मैं तो बस रेडी हो रहा हूँ। उठ गया। डर मत। आज ये मुझे डॉगी की तरह धोएगा सर। अब मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है। प्लेन में जाता हूँ तो चक्कर आते हैं, घूम घूम के मारता हूँ तो शुगर बढ़ जाती है, लात मारता हूँ तो घुटनों में दर्द होता है, बीपी इतना हाई रहता है कि रोज मुझे गोलियां खानी पड़ती है। मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? ऐसा ही सब तेरे पापों का कर्म टकले। सुनो, इसको सेल नंबर 2 में ले जाओ। मेरे साथ। उसने बोला अंदर टीवी और एसी है, मगर अंदर तो भूत है। सर, अंदर आपका जुड़वा भाई सिल्वर पेंट लगाकर खड़ा है। वो मेरा भाई नहीं, रोबोट है। रोबोट? अब चूंकि मैं किसी को मार नहीं सकता इसलिए मेरा प्रोग्राम मैंने उसके अंदर लोड कर दिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जिस जिस तरह मैंने तुम्हें मारा वैसे ही तुम्हारी सेवा में वो इतनी भी कमी नहीं होने देगा। सुनो सर, इसे रोबोट के पास ले जाओ। हाँ। रोबोट से मारनी पड़ेगी। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, बंद रखो। इंस्पेक्टर मुत्तु कुरूपन मेरे बॉस हैं, मेरी स्पीड है, उनके हर्स, मेरी मेमोरी है, 1 TB। तुमने रोबोट को टीवी, फेसबुक, यूट्यूब पर देखा होगा। फेस टू फेस देखा है? देख लो, मेरा गुस्सा 100 के बराबर है। देखना है, देखना है, ये गुस्सा 100 के बराबर। मर गया। इंसान मारता तो मिट्टी गीली हो जाती है, रोबोट मारेगा तो पीली हो जाएगी। ये नहीं, दूसरी फाइल लाओ। यस सर। सर नमस्कार, बैठिए। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी सर? एक फोन कर देते, मैं ही आपसे मिलने चला आता। मेरे दामाद और उसके दोस्त को लॉकअप में बंद करोगे तो जमानत मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? हा? वो तो बच्ची है, उसने अगर कंप्लेंट कर दी तो तुम क्या उसे अरेस्ट कर लोगे? सर मैं नहीं जानता था सर, आपका दामाद है, उसने भी तो कुछ नहीं बताया। वकील, हाँ सर, जो फॉर्मेलिटी है जल्दी पूरी करो। हाँ। अच्छा बताओ, दामाद जी कहाँ है? लेकर आओ उसे यहाँ। हाथ हटा अपना, तेरी मदद कर रहा हूँ। आइए दामाद जी। सॉरी बेटा, अगर एक बार मेरा नाम ले लिया होता तो ये पहले ही छोड़ देते। हमें अंदर करने वाली आप ही की बेटी है। ओह सॉरी, चलो घर चलकर बात करते हैं। रहने दो, मुझे नहीं जाना। प्लीज मेरी खातिर तो, चलो ना। आज ये ह्यूमन राइट्स। हाँ। दोस्त चल हॉस्पिटल चलते हैं। छोड़ मुझे, तेरी पत्नी ने मुझे अंदर कराया उस बात का गम नहीं है मुझे, मगर तूने जो पुलिस के सामने पलटी मारी उससे मेरा खून खौल रहा है। अब सुन ले, तूने आज तक सिर्फ मेरी जिगरी वाली दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी ना। आज से देखेगा, आज के बाद तू मेरा दुश्मन और मैं तुझसे जानी दुश्मनी निभाऊंगा। गो गो आउटसाइड, गो। गांव जा रहे हो तुम? हाँ। तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर जाने से पहले मुझे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स? सुनो, जब पति पत्नी बनकर हम एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, तो हमें डिवोर्स लेना चाहिए, यही बेहतर होगा। चलो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। हाँ, शहर की लड़कियों के लिए डिवोर्स के लिए अप्लाई करना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना जितना आसान होता है ना। ये डिवोर्स सिर्फ हम दोनों के बीच की बात नहीं है, ये हमारे माँ बाप की इज्जत और हमारे परिवारों के घर की शान की बात है। माँ बाप की इज्जत और घर की शान के लिए मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियूंगी। मुझे डिवोर्स चाहिए। अब जब तुम अपने मुंह से डिवोर्स की बात कह चुकी हो, मुझे मंजूर है, मगर एक कंडीशन है। जिस तरह मैं 30 दिन तुम्हारे घर आकर रहा, उसी तरह तुम मेरे घर आकर 30 दिन रहोगी। मैं क्यों आके रहूं? उस दिन जब तुम्हारी शादी रुक गई थी, मेरे पिताजी के बोलने पर ही मैंने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डाला। अगर आज मैं तुमसे झगड़ा करके घर अकेले चला गया तो मेरे माँ बाप को लगेगा कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और वो दोनों टूट जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मेरी खुशी के लिए नहीं तो उनकी खुशी के लिए 30 दिन अच्छी बहू बनकर मेरे घर पर रहो। 31वें दिन डिवोर्स पेपर पर मैं साइन कर दूंगा। पूरे 30 दिन? तुम्हारे घर में एक दिन भी नहीं रह सकती मैं। तो फिर मैं भी डिवोर्स नहीं दे सकता। जो कर सकती हो कर लो। रुको, अगर तुम्हारे घर में 30 दिन रहूंगी तो डिवोर्स दे दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा। तो ठीक है, मगर एक बात है, इन 30 दिनों में हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम हुई वो घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आओ बेटा, आओ बेटी, दोनों एक साथ खड़े रहो। सदा सुहागन रहो। शक्ति, तुम दोनों जाकर आओ। पापा आप भी चलिए ना, सब साथ में चलते हैं। तुम्हारी माँ और मैं कुल देवता के मंदिर हर महीने जाते हैं, मगर आज खास दिन है इसलिए तुम दोनों को भेज रहा हूँ। तुम दोनों बेटा खुशी खुशी जाना, ये लेती जाओ, संभल के जाना। पकड़ो इसे, ज्यादा देर मत करना। हाँ माँ। अंजलि, अंजलि रुको, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। हालात ही ऐसे थे कि मैं अपने पापा को मना नहीं कर पाया। जिस दिन मुझे धोखा देकर तुमने दूसरी लड़की से शादी की, उसी दिन मैंने तुम्हें भुला दिया। कौन है वो लड़की? शक्ति उस लड़की से प्यार करता था, उसके पापा के कहने पर उसने तुमसे शादी की, इसलिए वो लड़की गुस्से में है। चल बाहर आ, जाओ और उसे खींच कर बाहर लाओ। जाओ, जाओ। आहा, इन पहाड़े के टट्टुओं से जो डर जाए वो डरपोक मैं नहीं हूँ। 1000 लोग भी सामने आए तो उन्हें बारी बारी से निकल करके टकार भी ना लूं, ऐसा हूं मैं। ए, पालतू बिल्ली से डर कर भागने वाला तो डरपोक बहादुरी का लेक्चर दे रहा है। क्यों उठा कर लाया मेरे बेटे को? क्योंकि तुम्हारा वेट ज्यादा है। साले साहब, अपने बेटे की शादी में मुझे ना बुलाकर तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, मगर मैं वो सारी बातें भुलाकर मैंने अपने फूफा होने का फर्ज अदा किया है। रिश्तेदारी निभाने के लिए मैं इसे अपने घर ले आया। कैसी रिश्तेदारी? हाँ, मेरी बहन के जिंदा रहते जिस दिन तूने दूसरी औरत से शादी की थी उसी दिन तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। साले साहब, अगर तुम मुझसे धोती मांगोगे तो मैं उतार कर दे दूंगा, लेकिन इससे रिश्ता तोड़ने को बोलोगे तो नहीं होगा। चुप कर। ऐसा था तो रीति रिवाजों से बुलाते, तो उन्हें अपने घर जबरदस्ती क्यों लेके आया? अपनी शादी की फर्स्ट नाइट भी मैंने जबरदस्ती की थी, तो रिश्तेदारी बिना जबरदस्ती के कैसे निभाऊं? तू ऐसे नहीं मानने वाला, तेरी तो मैं। अरे क्या पापा आप भी, अंकल सिर्फ मेहमान नवाजी कर रहे हैं, 2 दिन की बात तो है, यहाँ रहकर आ जाएंगे। तू भी इसकी साइड ले रहा है? शांत हो जाइए पापा, ध्यान से सुन ले। मेरे बेटे ने कहा है सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ, 2 दिन बाद इन दोनों को घर छोड़ देना। ठीक है, छोड़ दूंगा। जाइए साले साहब। शक्ति अंदर चलो, मैं परिवार का इतिहास बताता हूँ। आ जाओ बेटा, चलो। इन्हें देखो, ये है मेरे आदरणीय दादाजी, बेचारे सुसु करते हुए मर गए। सुसु करते हुए कैसे मर सकते हैं? रेलवे ट्रैक पर सुसु कर रहे थे बेचारे, ट्रेन आई और इन्हें ले गई। ओहो, और इनकी डेथ कैसे हुई? नहीं नहीं, ये मरे नहीं है, ये यही है। हाँ सच है, जवानी में मेरे काले लंबे घने बाल थे। अब इनसे मिलो, ये है तुम्हारी बड़ी आंटी कमल, मेड इन इंडिया। ये है तुम्हारी छोटी आंटी पुष्पा, मेड इन चाइना। चाइना? हाँ बेटा, जब मैं चाइना टूर पे गया था तब मुझे ये चाइनीज गुड़िया मिली, तब इसके बाप को बिना बताए मैं अपने संग से यहाँ ले आया, और अब बारी है अगले कैरेक्टर से मिलने की। ए पशुपते! ए पशुपते! आया आया, अभी आया। ये देखो मेरा शेर आ गया। बोलिए भैया। कौन है ये बुजुर्ग अंकल? बुजुर्ग बोल के इसकी इंसल्ट मत करो, ये मेरा छोटा भाई है, अभी तक तो इसकी शादी भी नहीं हुई है, हम इसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। देवर जी की कुंडली में सुंदर पत्नी का योग है। लड़की ढूंढने में इनकी पूरी जवानी ही निकल गई। अभी तो जवानी गई है, कुछ साल बाद मर्दानगी भी चली जाएगी। वैसे इनकी उम्र क्या है? ऐसी कोई खास उम्र नहीं है, लेकिन ये अगले महीने 52 साल का हो जाएगा। और 8 साल इंतजार कर लो, फिर 60 साल के होने के बाद शादी कर। तुम इसका मजाक उड़ा रहे हो? पशुपति दिखा दो इन्हें कि जब तुम चलते हो तो तुम्हारे आगे बुलेट की स्पीड भी एकदम फेल हो जाती है। हाँ, क्यों बात साहब की जुबान लटक रही है? मेरी तरह वो भी ऑक्सीजन मांग रही है। अगर बैलगाड़ी को ऐसे बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ाओगे तो उसका यही हाल होगा ना। भैया बिना सोचे समझे लोगों के सामने पंच लाइन मारते हैं और झेलना मुझे पड़ता है। ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि आप कहीं और चले जाते। अरे पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम है ना। ये बात भी सही है। 3 वक्त के निवाले के लिए फिल्मों में जो जुड़वा होते हैं उनसे भी ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ती है। कोई है क्या? हेलो, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा। अंदर से खींचो। नहीं खुल रहा। बाथरूम में शुरू हो गया था। बाथरूम में क्या शुरू हो गया? घर में एक जवान कुंवारे लड़के के होते हुए तू रासलीला कर रहा था। कौन है जवान लड़का? अरे अपनी बात कर रहे हैं। बाल चूने की तरह सफेद है, शरीर मोजे की तरह लटका हुआ है। क्या भाई, इस उम्र में शादी करके क्या कर लोगे? वो क्या है ना कि मैं अपने बेटे के मुंह से पापा शब्द सुनना चाहता हूँ। अगर इस उम्र में तुम्हें बेटा हुआ ना तो वो तुम्हें पापा नहीं दादा बुलाएगा। ये मेरे जैसे जवान चुस्त बंदे को दादा बोल कर गया। सिर्फ दादाजी ही बोला है ना। ओ, दादा मतलब एरिया का भाई भी होता है। चाचा वो आपको बुला रही है। वो मुझे नहीं बुला रही, मैं आपको बुला रही हूँ। चाचा कह रहे हैं क्या? पहली बात तो उसने मुझे चाचा कहा और दूसरी बात ऊपर से बहरा कहा। वो आपको अंधा कहे, इससे पहले मुड़कर देख लीजिए ना। बोलो। फालतू में घूमते रहते हैं, बाथरूम के दरवाजे को रिपेयर नहीं कर सकते? हाँ। इससे क्या शक्ल से मैं कारपेंटर नजर आता हूँ? कल आकर बोलेगी बाथरूम का फ्लश ठीक से काम नहीं कर रहा, तुमसे ठीक कर दो ना। फ्लश के साथ साथ आपकी जिंदगी भी झंड हो गई लगता है। चिकन मटन मच्छी कबाब टिक्का, कितना कुछ है आज खाने को। मौका मिला है, दबा कर ठूस लो। सब लोग आओ, शक्ति आओ, दिव्या आओ, मेरी खूबसूरत परियों, सबको खाना परोसो। अरे पशुपति। हाँ भैया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाना खाने आया था। खाना खाने? तुम्हारी थाली में क्या है? मटन है भैया। मटन? हाँ। तेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल आसमान छू रहा है, उसे जल्दी से नीचे रख। मैंने कहा ना नीचे रख। पशुपति अब तू ये क्या खा रहा है? चिकन है भैया। चिकन है? हाँ। पिछले हफ्ते डॉक्टर ने कहा तुझे पाइल्स है, तेरे लिए जहर की तरह है। समझ में नहीं आता तुझे? ये तेरे लिए जहर है, चल नीचे रख उसे अभी। अब ये क्या पी रहा है तू? जूस है भैया। जूस पी रहा है? क्या हुआ, कम से कम वो ये तो पी ही सकता है। अरे तू क्या बेवकूफ है? उसके शुगर का लेवल आसमान को छू रहा है और ये जूस पी रहा है। इसको बोल कि जूस का गिलास नीचे रखे। अगर इसने जूस पिया तो मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। पूरे गांव में मुझे शुगर है, बीपी है, बोल बोल कर मेरी शादी नहीं होने दी इस खूसड़ गंजे ने। देखा, मसालों को देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए। ये बेचारी नन्ही सी जान इन मसालों को कैसे झेल पाएगा। नन्ही सी जान है बोलकर तुम्हें कब्र तक पहुंचा देगा ये टकलू। कांप क्यों रहे हो? भूख लगी है। हाँ, वो ग्रेवी दो, ठीक से खाना और दो। हाँ हाँ, और सुनो तुम इसका ध्यान रखना। हाँ, अच्छा ठीक। और उधर भी ध्यान रखना, दिव्या का ही शर्म के मारे भूखी ना रह जाए। और दो उसे। इन लोगों को कबाब क्यों नहीं दिए? कबाब सिर्फ आपके लिए। हाँ हाँ, तो फिर इन्हें ग्रेवी दो ना। बेटा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम चिड़ियों की तरह दाना क्यों चुग रहे हो। बेटा खाने का एक निवाला लो और इसे अपने हाथ से खिलाओ। अरे मेरा चेहरा क्या देख रहा, खिला ना। जाने दीजिए ना। जाने क्या दो, तू मेरी बात नहीं मानेगा। चल अभी निवाला उठाओ और इसे खिला। हाँ खिला। अच्छा जल्दी कर। अब तुम मुंह खोलो। देखा ये हुई ना बात। बेटा मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, तुम ऐसे क्या बैठी हो? निवाला उठाओ और इसको खिलाओ। चलो चलो जल्दी करो। अरे खिलाओ ना। रहने दीजिए। अरे तू बैठ, तेरे को क्या पता होता है? सब कुछ मुझे पता है। खिलाओ सर, चलो जल्दी करो। देखा ये देखा, ऐसे रिश्ते मेरे से सीखते रहोगे तो प्यार बना रहेगा। इससे रिश्तों में प्यार बढ़ता है। देखा मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ तुमने जानबूझकर किया। तुम उन्हें मना भी तो कर सकते थे ना। अपने से बड़ों को कैसे मना कर सकता हूँ? उन्हें तो देखकर ही लगता है कि उनके सिर का स्क्रू ढीला है। जोर से मत बोलो, वो छिला हुआ अंडा सुन लेगा। अरे शक्ति बेटा, आज अंडा खाने का मन कर रहा है। आज रात को वही बनवाता हूँ। मेरी परियों चलो आ जाओ। अभी आए जी। रिश्ते में तो हम फूफा हैं तुम्हारे, और रिश्तेदारी निभाने में शहंशाह, सब जानते हैं। सुनो तुम दिव्या को ले जाकर तैयार करो, पूरा श्रृंगार करना। जाओ जाओ इसे लेकर जाओ। तो मैं जाकर इसे रेडी कर दूं? चाइनीज फोन की तरह इसको भी डबल सिम चाहिए। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं तैयार कर दूंगा। जाके तुम अपना काम करो। लो बेटा ये पकड़ो। ओके तैयार। और अंदर जाकर तैयार होकर आओ। पशुपते। हाँ भैया, आज तो पोलियो डे है ना, तुमने खुराक ली की नहीं? हाँ? पोलियो की खुराक? 5 साल में लेने वाली पोलियो की खुराक को 50 साल में लेने के लिए बोल रहे हैं। इस जन्म में तो आपकी शादी होना नामुमकिन है। टीबी हो गया क्या? मेरी का भी दौरा पड़ने लगा। मैंने अपनी सुहागरात के लिए ये बैड लिया था, मगर दूसरों ने अपना प्रोग्राम कर दिया। हाँ? ये दूसरे लोग कौन है? एक बार मैंने भी प्रोग्राम बना लिया था। क्या नसीब है। देखना एक दिन ऐसा आएगा जब इस बिस्तर को फूलों से सजाकर मैं अपनी सुहागरात बड़ी शान से मनाऊंगा। उसका कोई चांस नहीं है। एक दिन आपकी डेड बॉडी पर फूल चढ़ाकर इस बिस्तर पर लिटा देंगे। तुम्हारा मतलब कि मैं मरते दम तक सुहागरात ही नहीं मना पाऊंगा? ए पशुपते। हाँ भैया। कमरा सजा दिया ना? सजा दिया भैया। अब जाकर मेरा कमरा भी सजा दो। हाँ? आपका कमरा क्यों भैया? आज चिकन खाया है ना, तो जरा जोश ज्यादा चढ़ रहा है। कमरा तैयार करके तुम्हारी भाभी को अंदर भेज देना। छोटी भाभी या बड़ी भाभी? ये क्या सवाल पूछ रहा है तू? दोनों को भेज देना। बच्चा है तू, हमेशा बच्चा ही रहेगा। बच्चा है बोलकर आपको जिंदगी भर बच्चा ही बना के रखेंगे। एक मिनट रुको, क्या है इसमें? बादाम का दूध तुम्हारे पति को देने को कहा है। बस ये वैसी वाली गोलियां है ना? हाँ चाचा जी। ये लो। क्या है? दूध, गाय का दूध, बादाम का दूध। सिर्फ बादाम है इसमें? बादाम के साथ काजू पिस्ता भी है। तुम्हारी पत्नी ने देने को कहा है। मेरी पत्नी ने? बादाम का दूध पीकर जिस स्पीड से अंदर गया है, लगता है आज रात तो ये पलंग तोड़ ताबड़ तोड़ भूचाल वाला गाना गाएगा। तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी? मुझे अब अच्छे पति बनो और चुपचाप नीचे सो जाओ। जाओ जल्दी करो। मैं क्यों नीचे सोऊं? मैं तो बेड पर सोऊंगा, तुम जाकर नीचे सो। तुम यहाँ ऊपर सोना चाहते हो? अभी दिखाती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत मुझे गिराया, तेरी तो। अभी आया। क्या हुआ बॉस? पाँच, 10, 15, 20, 25, 30। अगर ये क्रिकेट टीम में होता तो रनिंग बिटवीन द विकेट से ही सेंचुरी मार के टीम को जिता देता। अभी कमेंट्री जरूरी है क्या? चलो अंदर जाकर देखते हैं क्या होता है। किसी के कमरे में झांकना गलत है ना, कुछ सालों के बाद देखना नसीब नहीं होगा। हाँ? चलो उठो, अरे जल्दी उठो। मेरी उठने में मदद नहीं करेगा, अब ऐसी हालत हो गई। अरे बाप रे, अरे ये क्या? मेरी आंखों के सामने दुनिया घूम रही है। वो पंखा है। ऐसा क्या? हाँ। वो आ रहा है। बाप रे, ओ, मेरा सीना। अरे बाप रे, मर गया। टोटल कितना हुआ? पूरे 30। इतनी बार तो इसने आज दिन भर में सुसु नहीं किया होगा। इसने मेरी यूरिन रिपोर्ट मांगी क्या? अच्छा, इसीलिए स्टैमिना बढ़ाने के लिए तुम्हारी पत्नी ने दूध में गोलियां मिलाई थी। गोलियां मिलाई? पानी क्यों फेंका मुझ पर? यहाँ मेरी नींद हराम करके तू बेड में आराम से सो रही है। बादाम दूध में जुलाब की गोलियां क्यों मिलाई तूने? इन लोगों ने हमें खाना खिलाकर हमारे लिए ये कमरा सजाकर बादाम वाला दूध दे दिया। मौका देखकर तुम मेरे साथ कुछ गलत ना कर दो, इसलिए मैंने ये सब किया। बादाम दूध पिए बिना मैं कुछ गलत नहीं कर सकता क्या? रुक, अभी बताता हूँ। अगर मुझे हाथ में लगाया तो जान ले दूंगी तुम्हारी। अब क्या तुम अपने पति को मारोगी? हाँ मारूंगी। देखता हूँ कैसे मारती हो। नहीं, पकड़ लिया। कैच। वो मत फेंकना। अरे ये शोर कैसा है? अरे संभल कर। पति पत्नी में झगड़े तो होते रहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी तीसरे का सर फोड़ दो। गलती चाहे किसी की भी हो, अभी क्या अभी तुम दोनों एक दूसरे से माफी मांगो। सॉरी। ये कैसा सॉरी है? ऐसा लगता है दो अजनबी एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं। एक दूसरे के गले लगकर सॉरी बोलो। चलो, आप ये क्या करा रहे हो? बेटी, शक्ति तो शर्मा रहा है, लेकिन तुम तो मेरी बात मान लो। इसे गले लगा के सॉरी बोलो। जो कहा है वो करो, जल्दी से गले लगो। Have you lost your mind? Do you have any sense? Do you think I'm shameless like you? You idiot! You uneducated fool! You village pumpkin! Stupid people! ये सब क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को गले क्यों नहीं लगा रहे? वो अंग्रेजी में मुझे अनाप शनाप बोलकर चली गई। तुम्हारी जिंदगी अभी तक शुरू भी नहीं हुई है और तुम दोनों के बीच इतनी नफरत। फूफा जी, आप जैसा सोच रहे हैं, हम यहाँ जिंदगी शुरू करने नहीं आए, सब खत्म करने आए। सिर्फ 1 महीने के लिए हम दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने। ये सब जाने बगैर आप हमें करीब लाने की कोशिश करते रहे। हमारे अलग होने की बात मम्मी पापा को पता नहीं। प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा। मेरी मानो तो अपने पति से सुलह। अच्छा, हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुको। सबको भगवान राम जैसा पति और सीता माता जैसी पत्नी चाहिए होती है, मगर उन दोनों को भी एक होने से पहले अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। मानता हूँ पति के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन पति के बिना रहना भी कोई आसान बात नहीं है। अलग होने के लिए इतना सोच रहे हो तो साथ रहने के लिए तुम दोनों एक कोशिश तो कर सकते हो। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहने की सोचो और खुशी से जिंदगी बिताओ। दिव्या बेटी, मेरे पिताजी के बाद मैं और मेरे बाद इस घर से तुम ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ोगी। क्या हो गया बेटी, क्या सोच रही हो? पापा, दिव्या को जबरदस्ती खड़ा करने की क्या जरूरत है? शक्ति, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी लेडीज कॉन्स्टिट्यूएंसी हो चुकी है, इसलिए दिव्या से कहा। लेडीज कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो क्या हुआ? आप दीदी या बुआ को खड़ा कर सकते हैं। ए, कैसी बात कर रहा है तू? वो दोनों तो अब ससुराल की हो चुकी हैं और हमारे घर का हिस्सा है अब हमारी दिव्या, इसीलिए इसको इलेक्शन में खड़ा करेंगे। अब तू इसे समझा, मेरी बात मुझे मत समझा। अच्छा दिव्या बेटी, तुम बताओ। क्या हुआ बेटी, तुम भी कुछ बोलो। बिल्कुल राजी हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बेटी, ये हुई ना बात। शक्ति, अब तुम्हारा काम है दिव्या को जिताना। ये लो बेटी, ले लो। हे दोस्त, तू क्या अब भी मुझसे नाराज है? अभी हम इसका नॉमिनेशन फाइल करके आ रहे हैं। बोल, कैसा है हमारा कॉम्बिनेशन? बड़ा आया कॉम्बिनेशन और नॉमिनेशन वाला, जले पर नमक छिड़क रहा है। उस दिन दोस्ती करने आया था घर पे तो क्या बोला था? इलेक्शन में मेरे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। अभी क्या उस वादे का? कुछ भी बोलता है, मैं अपने वादे पर टिका हुआ तो हूँ। मेरी पत्नी खड़ी है, मैं तो नहीं ना। वाह, महाभारत में भी कर्ण के खिलाफ अर्जुन नहीं खड़ा हुआ था, कृष्ण ने उसे खड़ा किया था। उसी तरह तूने अपनी पत्नी को खड़ा किया है ना। महाभारत में तो वो कर्ण हार गया था, मगर इस इलेक्शन में ये कर्ण नहीं हारेगा। मैं वो बारूद हूँ जो एक बार जल जाए तो पूरा एटम बम की तरह फटता हूँ। नहीं फटा तो? किसने बोला ये? 2 दिन के लिए खाना बंद, मजाक उड़ाते हो मेरा। मेरी पत्नी के मुकाबले कौन खड़ा होगा तेरे यहाँ से? तेरे आधे से ज्यादा लोग तो अनपढ़ हैं और आधों को ठीक से दिखाई नहीं देता। अच्छा समझ गया, तेरी दूसरी क्लास पास दीदी जो दिन भर पान खाकर थूकती रहती है। मेरी दीदी नहीं, तेरी पास ब्यूटी। सुनो, हाँ? बेकार लोगों से बातें मत करो। ये हुई ना बात मेरी डार्लिंग। नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं। भाई साहब, मुझसे भी बात नहीं करेंगे? मैं पीने वालों से और शहर में रहने वालों से बात नहीं करता, पता है क्यों? बोथ आर डेंजरस। भाइयों और बहनों, आपके लिए खुशखबरी है, हमारी पार्टी का चिन्ह है सेल फोन। इसी चिन्ह पर मोहर लगाएं और अपने उम्मीदवार को जिताइए। रुके, अपनी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वोट कीजिए। मेरी पत्नी दिव्या को इन्हें भारी वोटों से जिताना है। हाथ जोड़ो अपने। आप किसके साथ? भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, हमारी पार्टी की निशानी है चप्पल। जो वोट करेगा चप्पल पर, उसको खाने को मिलेगा एप्पल। तो मोहर लगाओ चप्पल पर, चप्पल लाओ, अपनी प्रॉब्लम्स हटाओ। भैया, ये मेरी बेटी है, इसका कोई अच्छा सा नाम रखिए ना। ठीक है, स्पेस सेल रख दो, पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी। लेकिन भैया, ये तो कितना अजीब नाम है। तो वाटर सेल रख लो। अच्छा ठीक है भैया। अच्छा, ये चुपचाप जेब में डाल ले। शुक्रिया भैया। चप्पल पर वोट दो। उसने कैसे बच्चे का नाम रखा और बाप को घूस भी दी। ऐसी करके वो हीरो बन जाएगा और आप एक जीरो। ऐसा क्या? ए, जाओ जाकर जल्दी से एक बच्चे का इंतजाम करो। भाई, उसके लिए एक लड़की क्या? और 9 महीने का टाइम लगेगा। बात तो सही। और बेडरूम का क्या? अरे मोटे, आप कितने अच्छे हैं भाई। इधर आ, मैं यहाँ इलेक्शन के काम के लिए आया हूँ, ये तेरे लिए लड़की ढूंढकर तेरे हाथ मिला करने। नमस्ते। ये तू बच्चा लेकर क्या? बहन, अपना बच्चा मुझे दीजिए ना। तुम मेरा बच्चा क्यों छीन रहे हो? इसका नामकरण करना है। हमने इसका नाम रख दिया है। नामकरण करने देंगे तो पैसे मिलेंगे। स्टेज पर मिल जाएंगे। भाई, इस बच्चे की माँ कह रही है कि आप इस बच्चे का कोई बढ़िया सा नाम रखें। जरूर रखेंगे। बच्चे की माँ कहाँ पर है? वो वहाँ। अरे, तुम इन्हें गोद में उठाकर क्यों ला रहे हो? उठाकर ले आया। हाँ, अकेली थी इसलिए मैं उसे उठा लाया। तुम तो जानते हो बच्चे को कभी अलग नहीं करते। क्या हो गया है? नीचे उतारो मुझे। नीचे उतारो नहीं। बहन तुम जाओ। तेरा चेहरा देखता हूँ तो एलर्जी हो जाती है। जाओ यहाँ से। एक माँ को ऐसा लगा मेरे साथ। ये लड़की है या लड़का? आज से इसका नाम होगा पैरागॉन। मगर ये किसी चप्पल कंपनी का नाम है ना? अगर हीरो का नाम कुछ भी हो सकता है तो बच्चे का नाम पैरागॉन क्यों नहीं हो सकता? एक दिन ये नाम इसे किसी हीरो से भी ज्यादा फेमस बनाएगा। आपने हमारी दुकान का उद्घाटन किया, हम बहुत खुश हैं। आइए कुछ खाते हैं। आइए। भाई कल हम इससे ज्यादा भीड़ जमा करेंगे और आप भी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ उद्घाटन करेंगे। स्वागत कीजिए हमारे चीफ गेस्ट का, जिनकी वजह से इस उद्घाटन समारोह में चार चांद लग गए। रिबन काटिए भाई, रिमोट। ये हो क्यों नहीं रहा भाई? ये डमी रिमोट है। खोलो उसे। ये क्या किया तूने? मुझे पब्लिक टॉयलेट के उद्घाटन के लिए बुलाया। भाई जैसे उसने होटल का उद्घाटन किया, उसके सामने हमने टॉयलेट खोल दिया। जो वहाँ खाएगा वो यहाँ जरूर आएगा, तभी उनसे वोट ले लेंगे। भाई पहले जाएंगे। भाई पहले आप जाकर यूज करो। क्या यूज करूँ? क्या भाई, उसने होटल का उद्घाटन किया तो वो पहला कस्टमर था। यहाँ आपने उद्घाटन किया है तो आप पेट खाली कीजिए। मैं पेट खाली करके आया हूँ। भाई आपने खोला है तो कम से कम एक बार सुसु करने तो जाओ। सुसु करने तो ऐसे बोल रहा है जैसे जूस पीने बुलाया है मुझे। जानवर हो तुम लोग, कचरा कर दिया। भाई ऐसे नहीं मानेंगे। इस बार बहुत लगेगी। गरीबों का हमदर्द, आम आदमी का उम्मीदवार। केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर वो दिल्ली को चैलेंज करेंगे तो मैं विदेश के प्रेसिडेंट को यहाँ से खड़ा खड़ा चैलेंज करूँगा। हम लोकल इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तुम विदेश का नाम क्यों ले रहे हो? तुम पॉलिटिक्स में नहीं हो, मैं पुराना हूँ। जब हम दुनिया के दूसरे देशों की निंदा करेंगे तभी लोगों को लगेगा कि हमारी सोच नेशनल नहीं इंटरनेशनल है। सबको मिलेगा आराम से, आराम से। दारू और बिरयानी खाओ मगर वोट हमें डालो। वहाँ देखो, वहाँ देखो किस तरह उसके पार्टी के लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो उसके पार्टी के लोग हैं। वो हमारे लोग हैं। हम तो मैयत में भी बिरयानी खाते हैं, इलेक्शन में कैसे छोड़ दें? अरे गिर गया, गिर गया। अरे बाप, 25 साल से जो पार्टी की इज्जत बचा कर रखी थी उसे दारू और बिरयानी में उड़ा दी। उन्हें देखो वो कैसे नाच रहे हैं। ये क्या कर रहे हो भाई? भाई देख रहा है, ये हमारी निशानी है, इसकी तो इज्जत रखो ना। भाई हमारे पार्टी के लोग वहाँ जाकर क्यों खा रहे हैं? हम भी तो उनको खाना दे रहे हैं ना। भाई यहाँ तो खिचड़ी और अचार है, वहाँ पर बिरयानी और दारू बट रही है। भूखे जब वो वहाँ से फ्री की बिरयानी देगा, खिचड़ी में अंडा डालकर लोगों को बिरयानी बोलकर बेवकूफ बना रहा है। अरे भाई उसमें लेग पीस पड़ा है। मुझे यकीन नहीं। अरे क्या यकीन नहीं करोगे, मैं खुद खा कर आया हूँ। तो क्या तू अभी तक मेरे साथ था? वहाँ कब जाकर बिरयानी खाया? सुसु करने गया था, वहीं 1-2 प्लेट ठूस ली मैंने भी। सब मुक्कड़ मुझे मिले थे। सुन, सीधा वहाँ जा और जाके उनको बोल। उनको जाके मारना है क्या? नहीं, मेरे लिए 1 प्लेट बिरयानी पार्सल लेके आ। हाँ, अगर टेस्ट करके अच्छा लगा तो वैसे ही हम यहाँ बनाकर अपने सारे लोगों को खिलाएंगे। हाँ, अगर यही चलता रहा ना तो पार्टी ऑफिस बंद करना पड़ेगा। तो वैसे भी हो जाएगा। क्या कहा? इलेक्शन कौन जीतता है आप ही बताइए भाई। ये फैसला रिजल्ट के दिन होगा। जी भाई। हमारी म्यूनिसिपल इलेक्शन वोटिंग की काउंटिंग अब शुरू हो चुकी है। देखो हम ही जीतने वाले हैं। देखना तेरी जमानत तक जब्त हो जाएगी। रिजल्ट देखने आया है मुन्ना, फैसला तो हमारे हक में ही होगा। हमने हर घर में 200 रुपए जो बांटे हैं, और मैंने हर वोट के लिए 500 रुपए दिए हैं। चिरकुट ये क्या बोल रहा है? इसने 1 वोट के लिए 500 रुपए दिए? बेटा वो बिल्कुल सच बोल रहा है। तुम्हें कैसे पता? मैंने भी लिए ना। तूने वोट किसको डाला? चल अब बता भी दे। पहले राउंड के काउंटिंग के बाद सेल फोन चिन्ह वाली दिव्या शक्ति चप्पल के चिन्ह वाली अंजलि से 1500 वोटों से आगे चल रही है। मैंने तो पहले ही कहा था चप्पल निशानी मत लेना, चप्पल निशानी मत लेना। देख लिया ना, पड़ गई ना वही चप्पल सर पर। और 2 भाषण मुँह फाड़ के राशन के वादे हो गए। 13 राउंड के खत्म होने के बाद दिव्या शक्ति अंजलि से 5000 वोटों से आगे चल रही है। इसे 5000 वोट ज्यादा मिले। अरे उसके एरिया में वो आगे होगा ही ना, वैसे ही हमारे एरिया में हम आगे हो जाएंगे। हमारे एरिया में भी वही आगे। मुंह बंद रख अपना, कब से देख रहा हूँ बकबक किए जा रहा है। कभी मेरी जगह पर आकर देखो तब पता चलेगा, दिमाग खराब करके रखा है। चल निकल यहाँ से जा, यहाँ से जा। बाप नहीं पाप है तू, बाप ऐसा होता है। दुश्मन से पैसे लेके वोट दिया उसको तूने, तू है तेरे जैसे पर। वोट की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और हमारी म्यूनिसिपल इलेक्शन में चप्पल चिन्ह वाली अंजलि और सेलफोन चिन्ह वाली दिव्या शक्ति में कांटे की टक्कर रही और अंजलि 7432 वोटों के साथ दिव्या शक्ति से जीत। सब लोग आज प्लीज बोलने दो मुझे, क्यों बहुत खुशी हो रही है जीतकर? मगर ये जीत तुम्हारी नहीं है, इसने तुम्हें जितवाया है। हम तो जीत रहे हैं तो वोट बॉक्स बदलने की क्या जरूरत है? ये हमारी जीत के लिए नहीं, ये अंजलि को जिताने के लिए। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? प्यार में वो हार गई, इलेक्शन में तो जीतने दो। अपने पापा को क्या जवाब देगा तू? पापा को पता नहीं चलना चाहिए। जा, खुद हार कर तुम्हें जितवाया है और तुम इसी को नीचा दिखा रही हो। हाँ। 25 साल से लगातार जीतने वाले इस परिवार को तूने हरा दिया नालायक। वो तुम पर भरोसा करके इस घर में आई और तूने उसे हारने कैसे दिया बेवकूफ? जवाब दे मुझे, बोल, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ, उसके दिल को दुखाने से पहले एक बार भी सोचा नहीं तूने? निकम्मे, चुप रहो। तूने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं हराया, मुझे, इस परिवार के गौरव को मिट्टी में मिला दिया है। इतनी मेहनत से इस परिवार ने अपना नाम बनाया था और तूने उसे एक पल में मिटा दिया। आप एक इलेक्शन में हार गई ये सोचकर बहुत दुखी है ना, मगर मैं तो जिंदगी में हार गया पापा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हम दोनों अपनी खुशी से यहाँ नहीं आए, झगड़ा करके आए। वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि उसे डिवोर्स चाहिए। हे भगवान, आपके कहने पर अपने परिवार का मान रखने के लिए और आपके सम्मान के लिए मैंने उस दिन इससे शादी की। लेकिन सच बताऊं तो मैं शादी करने के बाद उसके साथ खुश रहना चाहता था। अगर इसे मुझ में कुछ पसंद नहीं तो उसे बदल देता, मगर इसे तो मैं ही पसंद नहीं हूं। उस दिन इसकी जिंदगी खराब ना हो इसलिए आपने मुझे इससे शादी करने को कहा, मगर अब ऐसा लगता है मेरी शादी करने से इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इलेक्शन जीतकर इस गांव में दुखी होकर जीने से अच्छा है डिवोर्स लेकर वो अपने शहर जाकर खुशी से जिए, इसलिए उसे हराने के लिए मैंने ऐसा किया। पति और पत्नी को खुशी के साथ रहना चाहिए, किसी के दबाव में आकर नहीं, इसलिए मैंने उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। हा? बेटा ये तो क्या डाइवोर्स की बातें कर रहा है? बेटी सुना तुमने ये क्या कह रहा है? बेटी जल्दबाजी में तुम कोई फैसला मत लेना, कुछ दिन यहाँ रुक जा। मेरा बेटा अच्छा इंसान है, जब तुम उसे जान जाओगी तो डाइवोर्स की सोचोगी भी नहीं। मेरा यकीन करो, मेरी बात मान जाओ। हाँ। पिछले 1 महीने से वो अपनी मर्जी के बिना मेरे साथ यहाँ रह रही है। बात सुनो बेटा, नई नई शादी में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। देखो माँ, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दीजिए। अगर फिर भी आपने हमें एक साथ जीने के लिए मजबूर किया तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। हाँ। सुनिए जी, आप कुछ कहिए ना इससे। मीनाक्षी, हमारा अब तक का हर फैसला गलत था। इन दोनों को अपनी जिंदगी जीने दो, इन्हें अपने फैसले करने दो। बेटी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, हमें कोई ऐतराज नहीं। मेरे कहने पर तुम 1 महीने यहां आकर रुकी, ये रहा तुम्हारा डिवोर्स पेपर। क्या हुआ? क्या बताओ? क्या हो रहा है ये सब? अब भला मैं क्या कहूँ भाई साहब, आप खुद ही जाकर देख लीजिए। मीनाक्षी क्या हुआ? अगर पता होता कि इसके मन में ऐसी कोई बात है तो मैं हाथ पैर जोड़कर भी किसी तरह से इसे ऐसा करने से रोक लेती। मतलब? अब देखिए ना इसने ये क्या कर दिया। हे, क्या हो रहा है ये सब? जिस लड़की से प्यार किया वो नहीं मिली, जिससे शादी की वो भी नहीं मिली, तो सन्यासी बन गया। सुनो, तुम्हें बाहर बड़े साहब बुला रहे हैं, चलो आओ। कौन है वो? अरे तुम यहां भी? मैं जहां जाता हूं तुम वहीं पर क्यों चले आते हो? तुम्हारी पत्नी ने तुम पर 12 केसेस दर्ज किए हैं, उसने तुम पर इतने सारे केसेस दर्ज किए, बताओ तुमने ऐसा क्या टॉर्चर किया? उसने डिवोर्स मांगा और मैंने दे दिया। सुनो, मैंने डिवोर्स मांगा और तुमने दे दिया। मुझे समझा बुझाकर मनाने की बजाय तुम तो सन्यास लेकर बैठ गए। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ और इसके लिए तुमसे भीख नहीं मांगना चाहती थी, इसलिए पुलिस कंप्लेन कर दी। अब बताओ मेरे साथ रहोगे या फिर जेल जाओगे? देखा सर, झूठी कंप्लेंट दी है इसने, पहले से जेल में बंद करो। तुम जेल जाओगी या मैं जाऊंगी देखते हैं। सर इसे अंदर डालिए। देखिए इसने इतना बड़ा ड्रामा मुझे जेल भेजने के लिए किया है सर, आपको तो इसे अरेस्ट करना चाहिए। अगर ये बात है तो मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। सर अगर इसी वक्त आपने इसे अंदर नहीं किया तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। अगर तुम हाई कोर्ट जाओगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। जो करना है कर ले, देखता हूँ। सुनो बैठो, तुम भी बैठो। तुम दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो जो आगे चलकर बड़ी और बड़ी बातें बन जाती हैं। अगर ये तुम्हें बेवजह परेशान करता है तो तुम बेझिझक होके मुझे फोन करना, हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। तुम दोनों नंबर नोट करो, 9840098456। एनी टाइम कॉल कर सकते हो। आप दोनों प्यार से अपने घर जाओ। इंस्पेक्टर जी सर, जरा गाड़ी में घर तक तो छोड़ाओ। ओके सर। हाँ, दोनों को समझा बुझाकर घर तो भेज दिया, अब इन दोनों की आगे की जिंदगी कैसी होगी चलिए मिलकर देखते हैं। थोड़ा मुस्कुराओ तो सेल्फी ले लेते हैं। चेहरा तो देखो कैसे दिख रहे हो। तुम बिना नटखट हो, गुस्सा हो या रोमांस में मुझे उतार देता हूँ। सच कह रहे हो। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है, आओ चलो मिलकर इसे यादगार बनाए। अब किसका फोन है? हेलो सर, डोसा ठीक से नहीं बना इसलिए मेरे पर हाथ उठाया इसने। क्या डोसा सही नहीं बना इसलिए मारा? जरा फोन दो से। सर शक्ति तुमने ऐसा क्यों किया? सर ये डोसा नहीं इडली है। इडली है? हाँ सर, डोसा मांगा तो इडली दे रही है सर। फोन दो से जरा। अरे दिव्या तुम ये क्या कर रही हो? सर डोसा ठीक से नहीं बना इसलिए मेरे पर हाथ उठाया इसने। फोन दो से जरा। सर अरे ये क्या तुम डोसे को इडली बोल रहे हो? क्या मुझे डोसा और इडली में फर्क नहीं पता? कभी फोन फेंक देती है, कभी उसने प्लेट फेंक दी। सर मैं उसे मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। हाथ मत लगाना उसे। पत्नी तो मंदिर में रखी मूर्त के जैसी होती है और पति उस मूर्त का पुजारी, तो पति को पत्नी की पूजा करनी चाहिए, उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। सर मैं तो पूजा कर रहा हूँ मगर वो मुझे मार रही है सर। जरा उसे फोन दो। लो बात करो। उसने तुम्हें मारा? फोन दो उसे। पत्नी दिया और पति बाती होता है। दिया जलाने से पहले उसमें तेल डालते हैं, अगर बिना तेल के जलाओगे तो नहीं जलेगा। प्यार से साथ रहो। वो दोसा ही है, ये हमसे झूठ कह रहा है। झूठ कह रहा है। अभी फोन दो से। सर WWF की तरह मुझे मार रही है। अब हमें देख लो, हमारी शादी को 25 साल हो गए, एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। मैं उसे समझता हूँ, मुझे समझती है। अगर मूड ना हो तो किसी न किसी तरीके से बना लेते हैं। हा? हा? अरे बाप रे, तुम लोगों की बातों में तो पूरी रात ही निकल गई। फोन रखो। मंजू आओ सेलिब्रेट करें। हाथ मत लगाना मुझे, तुम अपनी सालगिरह अपने पास रखो वरना चीर डालूंगी। हाँ पीछे मत आना, कह रही हूँ मैं। मंजू, मंजू तो मुझे छोड़कर चली गई। इसे गौर से देखो, इसके 3 साथी और हैं। जो सुना है क्या वो सच है? क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई? नहीं, किसी भी तरह से छोड़कर नहीं गई, मैंने उसे तलाक दिया है। हमें इन आतंकवादियों को पकड़ना ही है और इसीलिए आज स्पेशल मीटिंग बुलाई गई है। हेलो मोटो। सुनिए मिस्टर, फोन रिसीव करो और कहो कि मैं मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हेलो सर, मैं दिव्या बोल रही हूँ। सुनो दिव्या, मैं जरूरी मीटिंग में हूँ। मुझे दो। सर मैं शक्ति बोल रहा हूँ। शक्ति, मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूं। सर उससे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है, उसने उपमा में नमक नहीं डाला। उपमा में नमक नहीं डाला, ये भी कोई प्रॉब्लम है? सर इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और आपको कोई परवाह ही नहीं है। आपके पुलिस होने का क्या फायदा? मैं पुलिस वाला नहीं, हुंडा। मैंने तो सोचा था तुम दोनों साथ मिलकर रहोगे, लेकिन तुम तो मुझे परेशान कर रहे हो। मैं रेफरी नहीं हूं तुम्हारे खेल का। सर चाकू मार रही है। वो क्या तुझे चाकू मारेगी? मैं उसे भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा, जान से मारूंगा। सर वो टमाटर खा रही है। टमाटर क्या, मैं तेरे घर में बम फेंकूंगा। सर वो मुझे चटका दे रही है। वो क्या तुम्हें चटका देगी? मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। खत्म हो गई। दोबारा मुझे फोन किया तो मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हें कुचल दूंगा, कुचल दूंगा, कुचल दूंगा, कुचल दूंगा। आराम से सर, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कमिश्नर। यस सर। यू आर डिसमिस्ड। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, सीधे सर के पास चला जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। तुम क्या कंप्लेंट करोगे? कंप्लेंट मैं करूंगी तुम्हारी। ए, चल जाए यहाँ से, मुझे इंसाफ चाहिए। अरे सर यहाँ पर इन्हें क्या हो गया? सर हम आप ही से मिलने आ रहे थे, मैंने आपको बताया था ना। इसने क्या किया आप जानते हैं? इसने क्या किया? चुप रहो सर, इसने ना। चुप हो जाओ। तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया जानते हो तुम? मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? तुम दोनों को एक करने के चक्कर में मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मैंने उसकी परवाह नहीं की। उसके बाद भी मैंने सोचा चलो भाई पुलिस की नौकरी है तो खुशी खुशी जी लूंगा, और लोगों को तो ट्रांसफर मिलता है, पर तुम लोगों की वजह से मुझे डिसमिस कर दिया गया। एक बात कहूँ, एक अकेला मैं क्या, मेरे जैसे 100 कमिश्नर भी तुम्हें एक नहीं कर सकते। आजा मेरा बेटा। ए, तू यहाँ रुक क्यों गया? शेर को तूने जंगल में देखा होगा, फोटो में देखा होगा या फिर टीवी चैनल पर भी देखा होगा, और तो और तूने चिड़ियाघर में भी शेर देखा होगा, मगर क्या कभी तूने शेर को भीख मांगते हुए देखा है? सामने देख ले। माई कुछ खाने को दो, साहब कुछ पैसे दो। सुनो, किसी पति पत्नी के झगड़े में मत पड़ना वरना तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। साहब कुछ पैसे दो, कुछ खाने को दो। ये रुक क्यों गया? पैसे दे। अरे पैसे दे, पैसे दे। नहीं है मेरे पास। पैसे दे। क्या कर रहे हो? पैसे निकाल, पैसे मुझे देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, चल भाग यहाँ से। अरे पैसे दे। टकला पागल हो गया, मगर मुझे मारना आज तक भूला नहीं है। लगता है सचमुच पागल हो गया। ये पागल हुआ नहीं है, तुम दोनों ने अपने झगड़ों से इसे पागल बना दिया है। इतना झगड़ने के बाद भी तुम लोगों ने ये बच्चे कैसे पैदा कर लिए? अरे वो ऐसा हुआ था ना, जब हम पहली बार लड़कर उसके पास गए थे, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, तब बेटा पैदा हुआ था। और जब हम 17वीं बार लड़कर उसके पास गए तो तब बेटी पैदा हुई थी। 17वां नहीं 20वां झगड़ा था। नहीं वो 17वीं बार था, 20वां था। अरे मुझे मतलब ये तीसरे बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। ए दोस्त, तू मेरी बात मानेगा या फिर इसकी बात मानेगा? भैया आप मेरी बात सुनेंगे या फिर इसकी बात सुनेंगे? ए तू मेरी बात सुन, तू मेरा दोस्त है। मेरी बात सुनेंगे है ना? ए तू मेरी बात सुनेगा? रुको रुको, मेरी बात सुनो। शेर के मुंह में अपना सर देने वाला और पति पत्नी के झगड़े में टांग अड़ाने वाला कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता। सबूत है सामने, ये पगला टकला। इसको चलो। तुम्हें दोस्तों, तुम्हें याद नहीं, पति पत्नी का झगड़ा एक खेल की तरह है, तुम भूल रहे हो। पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बस ऑडियंस बनकर इसका मजा लेना चाहिए।